ये बिजनेस का थोड़ा बहुत घर से बाहर जाने के बाद ही आया। और जितने मेरे ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स हैं उनको ये पता भी है कि हम लोग मतलब हमेशा मैं बिजनेस की बात करता था, उनको ये बोलता था यार मुझे ना बिजनेस करना है, मतलब मुझे कुछ करना है अपना, ये पता नहीं था करना क्या है। फर्स्ट वर्ड में ये कब फील आया कि चाहे कुछ भी हो इसी को मुझे आगे बढ़ाना है और इसी के साथ चलना है? मतलब पूरा दिमाग में क्लियर था कि मुझे जल्दी बंद नहीं करना है, मतलब इम्पेशेंट होके, मतलब मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही तैयार था पहले से। रितेश अग्रवाल के आने से क्या फर्क, मतलब उस इंसान के प्रेजेंस से अब कंपनी में कितना फर्क पड़ेगा या फिर आपकी विजिबिलिटी में कितना फर्क पड़ेगा? जब भी जहाँ पे भी हम लोग बैठे उनके पास जाए, चाहे वो कहीं नए चैनल एक्टिवेशन हो या कुछ कनेक्शन हो, तो या अगर हमें लग रहा है कि कुछ हमें अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना हो, तो ये कुछ मेजर जो डिस्कशन है वो हम लोग उनसे भी लेंगे और करेंगे भी, तो यहाँ से बहुत मतलब मेजर शिफ्ट भी आएगा। क्या मित्रेश के सिंगल दोस्तों के लिए ओयो में कुछ डिस्काउंट मिलेगा? ट्राई करूंगा मैं। हेलो दोस्तों, द आयरोनिक शो के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। अगर आपने शार्क टैंक सीजन 3 देखा है तो आपने डेफिनेटली फर्स्ट बैट ऑर्गेनिक्स का पिच भी देखा होगा, मित्रेश शर्मा एंड सरोज आंटी। मित्रेश मेरे बचपन का दोस्त है, हम लिटरली साथ में पले बड़े हैं। बहुत खुशी मिलती है जब कोई अपना इस मुकाम पे पहुंच जाता है, साथ में क्रिकेट खेलने से लेके मित्रेश को नेशनल टीवी पे देखना, ये पूरी उसकी जर्नी मैंने देखी है। आज उसके साथ ये पॉडकास्ट करना मुझे लगा था कि शायद मेरे पॉडकास्टिंग करियर का सबसे एक इजी कॉन्वर्सेशन होगा, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप अपने किसी नोन इंसान से बात करते हो तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन बन जाता है ऑन कैमरा, क्योंकि आपको कई जगह फिल्टर्स लगाने होते हैं, आपको लगता है कि शायद आप इस इंसान के बारे में सब कुछ जानते हो तो क्या पूछो, बट एट द एंड ऑफ इट एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन ये निकल के आया है। इस एपिसोड में हमने मित्रेश से बात की उसके अर्ली लाइफ के बारे में, उसके स्कूल के बारे में, उसके स्कूल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। एंड शायद बहुतों को नहीं पता होगा मित्रेश और मैं आज जितने क्लोज फ्रेंड है, एक टाइम था जब हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते थे, वो 3 से 5 साल का जो टीनेज शिट होता है ना वो फेज भी हमने साथ में देखा है। सो उसके शार्क टैंक की जर्नी, शार्क टैंक में क्या होता है, शार्क टैंक की रियलिटीज, प्लस एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाने का जर्नी, हमने सब चीज़ों के बारे में बात की इस पॉडकास्ट में। एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। वॉच इट। भाई ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें ना मेरे को कुछ नहीं पता कि क्या पूछने वाला है, मेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। एंड इस पॉडकास्ट के लिए मैंने जीरो तैयारी की है, मतलब वो इंसान जिसको बचपन से देखे हुए, जिसके साथ पले बड़े हैं, एंड आई थॉट कि ये सबसे इजी कॉन्वर्सेशन होगा, बट टर्न्स आउट कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन यही है, क्योंकि कई जगह आपको फिल्टर लगाना होता है कि अरे यार इस एंगल पर नहीं जाना है। तो चलो वेलकम टू द आयरोनिक शो। मित्रेश शार्क टैंक के बारे में तो सब लोगों ने तुमसे बहुत पूछा होगा यार, बट मेरे को स्टार्ट करना है जहां से हम लोग पले बड़े, लिटरली साथ में पले बड़े हैं, राइट? ऑब्वियसली मतलब आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द प्योरेस्ट ऑफ द हार्ट, बीइंग ए मारवाड़ी, आप लोग में, तुम लोगों में ये होता है कि मतलब बिजनेस रन्स इन योर जीन्स, इन योर ब्लड, राइट? बट जब हम लोग खेलते थे या फिर जब स्कूलिंग में थे, 10th में थे, बियॉन्ड दैट, कभी ये एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल तब कभी आया था? कभी लगा था कि अपने फादर के स्ट्रगल को देख के वो सुबह निकलते थे, रात में आते थे, कभी ऐसा लगा कि यार ये जर्नी लेना है, या फिर वो जॉब वाला जर्नी? स्कूल में पूछा जाता था ना हमेशा ही पूछा जाता था पढ़ोगे क्या बनोगे, एंड मुझे याद नहीं है कि किसी ने बोला है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेस करना है, सबका था कि मुझे यहाँ जॉब करना है, वहाँ जॉब करना। तो कभी ऐसा लगा था कि एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी तुम्हारे लिए है भी? समय तक तो कुछ क्लियर नहीं था, मतलब क्योंकि यही था कि अगर बिजनेस में जाना भी होता था कभी, जैसे पापा को ऑफ होता था, पापा कभी बोलते थे कि यार होटल में जाके बैठ जाओ, तो ऐसा होता था कि कुछ बहाना मार दो मतलब, और यही था कि बड़े होके मतलब जॉब वॉब करो और यहाँ से निकलो, मतलब उस वक्त जॉब का ही मतलब बनने प्लान था, और थोड़ा उस चीज़ से भागते भी थे मतलब जब बिजनेस का आता था, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि मतलब ये थोड़ा डर भी आ भी गया था कि जॉब में जाना है, अच्छे जॉब में जाना है, और उस वक्त तो बिजनेस नहीं करना है, मतलब एटलीस्ट मतलब कुछ प्लान था ही नहीं उस वक्त, क्योंकि हम लोग भागते थे उस चीज़ से, क्योंकि वो पनिशमेंट लगता था बचपन में जब पापा बोलते थे कि जाके बैठो, और 9-10 में जाके वहाँ पर बैठना, और वहाँ का बिजनेस भी अलग है बिल्कुल, लाइव कस्टमर को हम लोग सामने खाना देना भोजना है, तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है, तो मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत वैसा था कि मतलब मैं क्या करूँ, तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि बिजनेस में जाना है, प्लान तो कुछ और ही था उस वक्त, स्पोर्ट्स में भी जाते थे, कभी ये मन होता था कि क्रिकेट में चले जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे जाना है, क्योंकि कोई फैसिलिटी तो था ही नहीं मतलब, और ये भी पता था कि ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग हैं मतलब थोड़ा रिसोर्स भी कमी है, बाहर जाने का पता नहीं। तो जब 10th हुआ तो 10th में ये भी था कि प्लस टू का वो जाना था एडमिशन के लिए,
वन ऑफ द रीजन की कोटा जाने का रीजन ये भी था कि घर से बाहर जाने का मौका मिला, और मतलब समझो कि घर से शायद पहला मैं ही था जो बाहर गया उस समय तक, कोई गया नहीं था कोटा, मतलब बाहर इवन सब टेन के बाद कुछ था भी नहीं यहाँ पे उस समय तो, अभी तो प्लस टू के लिए बहुत कुछ है लेकिन उस समय कोटा कुछ था ही नहीं, तो मतलब बाहर जाना एक मजबूरी भी था लेकिन एक ये भी था कि थोड़ा अपॉर्चुनिटी जैसा था कि चलो बाहर जाके देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब वो गए हम लोग प्लस टू में तो पीएमटी तो निकला नहीं, पीएमटी निकला तो उसके बाद फिर 3 साल तो आगे क्या करना है, तो एमबीबीएस का तो कुछ हम लोगों ने प्रिपेयर किया नहीं था। फिर मैंने बायोटेक किया, वो भी ऐसे रैंडम एक आया देखा पेपर में, और कॉलेज था देहरादून का, वहाँ पे लोकल रिलेटिव थे उनसे पापा ने बात किया और हम लोग वहाँ गए ऐसे बायोटेक, और थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया था मतलब इस जेनेटिक साइंस वगैरह में, हम डिस्कवरी में देखते थे एमबीए फाइल सॉरी, तो ये पता था चलो ठीक है अभी एमबीबीएस नहीं करना क्योंकि अब एग्जाम भी नहीं निकला और 1 साल और नहीं दे सकते, तो इस तरह बायोटेक में गए हम लोग। अब जैसे मैं 12th के बाद वहाँ गया ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदर से आने लगा था, मतलब अंदर से ये आने लगा था कि कुछ करना है अपना, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाके जब फर्स्ट टाइम घर से बाहर गया, मैं जब भी कोई ब्रांडिंग देखता था या कोई बड़ा सा होर्डिंग देखता था तो मुझे लगता था कि यार मतलब पापा भी तो वही कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बाहर आके बिजनेस अच्छा लग रहा है, वहाँ पे बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा मन में आता था कि अपना कुछ हो, मतलब ये नहीं पता था क्या होना है, बस ये पता था कि अपना भी कुछ बिजनेस हो और कुछ करना है। मतलब दोस्तों को ऐसा था कि घर में हम लोग अचार शुरू से बनता रहेगा, और बहुत बार पापा की मम्मी से उठवा के होटल में मतलब अचार वगैरह यूज करते थे, तो कभी मन में ऐसा भी होता था कि उस अचार को ना हम लोग बॉटल करके ब्रांडिंग करके बेचे, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, मतलब कैसे पैकिंग होगा क्या होगा, तो ये थॉट हमेशा आता था जाता था। तो ग्रेजुएशन में मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं 10th तक तो मेरे पास ये कभी ख्याल था ही नहीं, ये बिजनेस का थोड़ा बहुत घर से बाहर जाने के बाद ही आया, और जितने मेरे ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स हैं उनको ये पता भी है कि हम लोग मतलब हमेशा मैं बिजनेस की बात करता था, उनको ये बोलता था यार मुझे ना बिजनेस करना है, मतलब मुझे कुछ करना है अपना, ये पता ही नहीं था करना क्या है, बस कि मतलब कुछ अपना करना है, कुछ अपना मतलब चाहता हूँ कि मेरा कुछ हो वहाँ पे। तो फिर मैट का एग्जाम दिया, फिर ऐसे एडमिशन लिया एमबीए में, तो इन शॉर्ट पीएमटी भी नहीं हुआ था, कैट भी नहीं हुआ था, तो अब मेरे मुझे देख के ना काफ़ी मेरे क्लास के बच्चे भी आए और मेरे जूनियर्स भी आए इसमें, और आइडिया क्या था उस वक्त, ये सोचते थे हम लोग यार एमबीए करेंगे थोड़ा नॉलेज आ जाएगा मार्केटिंग का फाइनेंस का, थोड़ा ईजी होगा बिजनेस में, मतलब जो माइंड सेट था, क्योंकि कोई ऐसा मेंटरशिप वगैरह था नहीं उस वक्त, कोई ऐसा गाइड करे कि यार अब ये कर लो नेक्स्ट स्टेप ये है, तो ये हमेशा मतलब मिस रहा है शुरू से, तो जो भी समझ में आया क्योंकि मैं सबसे बड़ा भी था घर में, घर का सपोर्ट तो था कि जो करना है करो, मैं तो कभी था ही नहीं किसी चीज़ में, लेकिन एक्सपेरिमेंट मतलब मैंने भी बहुत किया है अपने ऊपर शुरू से, पहले बायोटेक किया, उस वक्त बायोटेक इंडिया में बिल्कुल नया था, फर्स्ट था 2005 का बात है, 5 में बायोटेक वॉज बिल्कुल इंडिया। उसके बाद ये एमबीए वगैरह करके, तो एमबीए में मतलब ये था कि चलो ठीक है बिजनेस तो करना है, अब उस वक्त भी ये मतलब क्लियर कट नहीं था कि करना क्या है, और जब हम लोग सेकेंड ईयर में गए तो बहुत सारी कंपनीज आने लगी प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें 2-3 कंपनीज शुरू में ना मतलब मैं सेल्स से भागता था हार्डकोर सेल्स की, तो 2-3 प्योर हार्डकोर सेल्स की कंपनी आई, और मैं मतलब मैं इंटरव्यू में गया नहीं, तो मुझे वहाँ प्लेसमेंट सेल्स से भी उन्होंने निपट दिया, डिपार्ट कर दिया, मतलब लिस्ट में डाल दिया कि भाई तुम नहीं कर सकते, और ऐसे कॉलेज का लास्ट डे था तो मेरी एक फ्रेंड आई, वो उसने मुझे बोला कि यार जॉब करोगे क्या अपना जॉब, तो उसने बोला हाँ कि पास में एक कंपनी है कोरियन कंपनी है, उसने नाम नहीं बताया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे जॉब है और उनको आज ना एक लास्ट वैकेंसी उनको फिल करना है, तो मैंने बोला पर आज कॉलेज का लास्ट डे है, क्योंकि हम लोग ना ऊपर सेलिब्रेट करते हैं कैंटीन में कि आज लास्ट है, सब शर्ट में दूसरे का नाम वाम लिख रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने बोला नहीं यार आज नहीं, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार कॉलेज का लास्ट है कल से ना कोई मिलने वाला भी नहीं है, चुपचाप चलेगा वहाँ, फिर एचआर का कॉल आया, मतलब मैं 1 घंटे में मैं इंटरव्यू देने गया, और इसके लिए वो कोरियन कंपनी के मुझे पता नहीं था, और उन्होंने उसने मतलब आपस में एक आधा 1 घंटा चला, और 1 घंटे के बाद उसने बोला कि कब से मतलब कब से ज्वाइन करना है, तो मैंने बोला अभी से कर लेता हूँ, तो उसने बोला अभी नहीं कल से आओ ठीक है, वैसे ये पहला जॉब स्टार्ट हुआ, और वो जॉब ऐसा था कि मुझे कुछ आता नहीं था उस वक्त, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, मतलब वो भी बिल्कुल नया फील्ड था उस वक्त 2011 की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं गया था तो टीम में ऑलरेडी 5-6 लोग थे मेरे क्लास के और मेरे कॉलेज के, तो मैं बिल्कुल नया था, मुझे कुछ आता ही नहीं था, मतलब मैं सबकी शक्ल देखता था कि यार मतलब ये टीएल ने काम तो दिया लेकिन ये करना कैसे है, और जो टीएल थे वो भी कोरियन थे, तो थोड़ा एक ना लैंग्वेज का वो भी था डिफरेंस था, मतलब वो ठीक से कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा, ठीक से ट्रेनिंग हुआ भी नहीं था मेरा, तो जब मैं किसी को अप्रोच करता था ना तो कोई ठीक से बताता नहीं था, वो थोड़ा फीलिंग भी याद आता था कि वो क्रिएटर्स का काम ही है ना कि वो दोस्त दोस्त में होता है, तो कोई ठीक से मतलब कभी नहीं करता था, तो मतलब मैं वहाँ परेशान हो गया कि यार कुछ आता ही नहीं है यहाँ पे, तो लकीली क्या हुआ कि टीएल ना फिर चेंज हो गया, एक नई टीएल आई वहाँ से कोरिया से, मैंने उनको बोला यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मतलब मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आपको कर क्या रहे हो, उससे थोड़ा अच्छे से मुझे ब्रीफ दिया, उसके बाद मतलब मैंने शुरू किया,
करते करते 2-3 महीने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो गया कि अब मैं ITL बन गया। वो वापस कोरिया चली गई और जो मुझसे पहले से थे वो मतलब उस टीम में वहीं पे रह गए। तो जब वो अंदर लेके गए ना कॉन्फ्रेंस में, उसने अनाउंस किया कि मित्रेश विल बी द न्यू TL, तो सबका शक्ल ऐसा होगा। पर हम लोग जब सीट पे आए ना, तो कोई एक्चुअली अपने सीट पे आए नहीं, सब पहले बाहर गए वो लोग सिगरेट और चाय पीने। मैंने बोला कि यार देखो ऐसा है कि कोई भी बनता, मैं नहीं बनता तो तुम लोग बनते, तो बुरा मत मानो, कोई बात नहीं मैं बन गया। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट आया हूँ और मतलब अगर मुझे बना दिया तो कोई बात नहीं, अच्छे से काम करेंगे। फिर ऐसे ही काम चला। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 1.5 से 2 साल काम किया, 3 से 4 प्रमोशन लिया, मतलब बहुत अच्छे से काम वहाँ पे सीखा, सब कुछ किया। तो 1.5 साल में मतलब मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे था वहाँ। उसके बाद क्या हुआ, अचानक हम लोग ऑफिस गए तो पता लगा कि वो लोग ऑफिस को बंद करने वाले हैं, मतलब इंडियन ऑफिस क्लोज कर रहे थे। तो अब उन्होंने कंपनसेशन दिया 2 से 3 महीने का हम लोगों को। तो यहाँ पे मेरा एक कलीग था रजनीश ऑफिस में, तो हम लोग ना ऐसे प्लान करते थे कैजुअली कि यार ऑनलाइन ना टी शर्ट वगैरह करते हैं, कुछ सेल करते हैं प्रिंट के टी शर्ट, ऊपर थोड़ा ट्रेंड में बिता डेंगे कि प्रिंटिंग मशीन लाएंगे और टी शर्ट बना के बेचेंगे ऑनलाइन। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर मतलब वो भी कुछ बना नहीं प्लान, तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, ये काम जो ये लोग कर रहे थे यही काम हम लोग करते हैं। अब दिक्कत ये था कि ना मैं सेल्स में था, रजनीश सेल्स में था। तो हम लोग क्या किए कि इनका जो पहला जो क्लाइंट था ना इंडिया में परिक्रमा, ये लोग तो जा रहे थे, हम लोग उनके पास गए और हम लोग बोले ऐसी सी बात है कि वो तो जा रहे हैं, आप हमारे पास आ जाओ, मतलब आपको सेम सर्विस हम हाफ द कॉस्ट में देंगे। तो मतलब मारवाड़ी जिल जिन फुल किक कर गया, यहाँ पे किक कर गया। तो एक महीना उन्होंने घुमाया, वो भी बहुत तेज थे नेगोशिएशन में। उन्होंने भी बोला कि यार एक मारुति में और एक नॉर्मल असेंबल्ड कार में डिफरेंस है। फिर हम लोगों ने बोला देखो सर काम तो हम ही कर रहे हैं, वहाँ भी काम हम ही करते थे। तो इस तरह वो क्लाइंट आया हमारा पहला, उस वक्त आई थिंक अराउंड 50,000 हमें मिलते थे। और हम लोगों ने सेकेंड काम किया क्या, जब ये कंपनी यहाँ से जा रही थी, इनसे हम लोगों ने सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लिया, कुछ फर्नीचर ले लिए मतलब तो सस्ते में, क्योंकि तो ऐसे भी ये जा ही रहे थे इनके लिए यूज़ करो खाने। तो जो कुछ चेयर्स हो गए, मतलब जो जो हम लोग असेंबल कर सकते थे अपने छोटे से ऑफिस के लिए। और हम लोगों ने ऑफिस लिया इस तरह, छोटा सा लिया था 7 या 8 हज़ार में उसको। और हम लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा था वाइटल वेव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही था। मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि आई थिंक मेरी भी फर्स्ट जॉब थी उस टाइम पे, जब वहाँ पे हमारा कुछ वेबसाइट का काम होने वाला था, तब मुझे याद आया था कि तुम ये कर रहे हो। सो मैंने उनको बोला कि मेरा फ्रेंड है तो वी कैन यू नो, एक तो काम भी अच्छा हो जाएगा और क्योंकि वो कंपनी भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी थी नहीं, तो प्राइसिंग वाइज भी काफ़ी वो सेंसिटिव थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है तुम लोग का वहाँ आई थिंक साउथ दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाके गोविंदपुरी साइड कहीं तुम लोगों का ऑफिस था, बदरपुर एरिया के, बदरपुर बॉर्डर के आसपास। तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा बाद में जाते हैं, पहले थोड़ा अपना स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ डिस्कस करते हैं। डू यू रिमेम्बर कि आज हम दोनों इतने सामने बैठे हुए हैं, मतलब भी हम दोनों एक दूसरे के बारे में हर कुछ ऑलमोस्ट जानते हैं, मतलब देर इज नथिंग दैट कि हम छुपा सकते हैं एक दूसरे से, बीट आवर यू नो स्कूल की बकचोदियाँ, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप, सब कुछ एक दूसरे का जानते ही हैं। देर वॉज अ टाइम जब ऑलमोस्ट आई थिंक गुड 3-4 ईयर्स हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। एंड फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीवन, हम दोनों का घर इज लाइक 50 मीटर्स, वी आर नेबर्स लिटरली, मतलब आमने सामने घर है। बट कुछ हुआ था, कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो टीनेज शेड जो होता है, हम लोगों ने अच्छा खासा 3-4 साल एक दूसरे से बात नहीं की। क्रिकेट पे लड़ाई हुई थी और क्रिकेट पे उस वक्त ऐसा एग्रेशन होता था कि यार बात नहीं करना, और मेरे अंदर थोड़ा उस वक्त शॉर्ट टेम्परनेस था, बहुत ज़्यादा था। मतलब मेरा ऐसा होता था कि दोस्त है तो दोस्त है, नहीं है तो नहीं है, मतलब उस वक्त भी माइंड सेट था। तो 10th के बाद ऑलमोस्ट मतलब मैंने काफ़ी लोगों से ऑलमोस्ट कट कट किया हुआ था, मतलब एटलीस्ट जो स्कूल फ्रेंड्स थे, आई डोंट थिंक कि मतलब मैंने किसी से बात किया है दोबारा वापस। अगर 4-5 साल में बात दोबारा स्टार्ट भी हुई है तो आई थिंक तुमसे, रोनिक से, राहुल से, मतलब जिनसे थोड़ा बहुत था उनसे दोबारा मतलब शिफ्ट हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आई थिंक लोग शायद है ही नहीं, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई थिंक बहुत ही वियर्ड फेस था दोनों के तरफ से, मतलब एक तो ये कोई मैं ये नहीं मतलब उठाना नहीं चाहता किसी का, बट आई थिंक ये बहुत ही वियर्ड, आई थिंक वो टीनेज एक फेज होता है ना कि हार्मोन्स आर जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्या सही है क्या गलत है, वो सोचने की ताकत नहीं होती। एंड देन केम योर कॉलेज लाइफ, कॉलेज के बकचोदी के बारे में बताओ यार, कॉलेज मतलब कैसा रहा कॉलेज लाइफ। मैं यहाँ से एक्चुअली गया था ना, एक तो ये था कि देखो PMT वो निकला नहीं था, बायोटेक कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो भी था कि यार मतलब कुछ तो करना है, मतलब थोड़ा माइंड सेट से वही करते कि पढ़ाई लिखाई करना है। तो जब वहाँ पे गया, वहाँ पे भी आप थोड़ा मतलब पूरा एटमोसफेयर ही अलग था वहाँ पे जाती, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना मुझे यूज़ करना चाहिए था अपने आप को उतना मैंने किया नहीं था उस वक्त, मतलब जो जिस तरह से था, मतलब मैं ओवरऑल थोड़ा चेंज ही हो गया था वहाँ जाकर पढ़ाई लिखाई। कभी ये फील आया कि
ऑब्वियसली तुम एक हम लोग एक बहुत ही छोटे शहर से हैं, राइट? कभी वैसा एक्सपोजर रहा नहीं कि एंड देहरादून, आप तुमने कॉलेज आई थिंक देहरादून से किया था, एंड देहरादून तब भी एक काफी बेटर सिटी था कंपेयर टू वेयर वी कम फ्रॉम, देवघर। वो डिफरेंस कभी लगा या फिर लोगों ने कभी वो फील करवाया कि मुझे यार मुझे तुम कभी एक नहीं छोटे लगा, शहर से हो? मुझे लगा था मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं कोटा गया था, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैं घर से बाहर गया, कभी गया नहीं था। उस वक्त ना स्मार्टफोन होता था ना कुछ, मतलब घर में बात करने के लिए स्टडी जाते थे। तो मुझे याद है कि मतलब एक महीना तो मैं खाली रोते हुए मतलब मेरा निकला था। उसके बाद तो मैं ऐसा हो गया कि मेरा मतलब मुझे घर में ही मन नहीं लगता था, मेरा मन ही बाहर लगता था। तो ग्रेजुएशन वो ऐसा समय था कि मैं छुट्टी पे घर अगर आता भी था तो 6-7 दिन के बाद मैं भाग जाता था वहाँ पे। मतलब जैसे दोस्त मिल गए थे, और वो होता है कि पहला कॉलेज वो लाइफ और सब कुछ वो देखना है, होता है लाइफ ही चेंज हो रहा था सब कुछ वहाँ से। नया पूरा एक फ्रेंड का सर्कल मिल गया, और तो मतलब एक थोड़ा अलग सा एक्सपेक्टेशन था। तो वैसे कभी होम सिकनेस या फिर मतलब वो डिफरेंस फील नहीं आया, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन वो फिर मैंने अपने आप को मतलब चेंज भी किया टाइम या फिर सिटी। और हम लोग मैक्सिमम वहाँ पे ऐसे ही थे जो छोटे शहर से थे, और या फिर कुछ लोग थे आसपास से भी चंडीगढ़ वगैरह से, लेकिन मोस्ट ऑफ द आई थिंक स्मॉल सिटी से ही थे वहाँ पे। लेकिन मतलब हो गया वो, मतलब तब बहुत स्मूथली गया वो कॉलेज टाइम, अच्छे से गया। क्योंकि जो हम जिस स्कूल से हम लोग निकले वहाँ से कई सारे लोग हमारे स्कूल से वो बाहर गए, जिन्होंने 12th वगैरह बाहर से किया, फिर कॉलेज मोस्ट मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने कॉलेज बाहर से किया क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी उस हिसाब से थी नहीं। वन थिंग दैट आई थिंक जो सबने फेस किया है ये कि तुम बिहार से हो, झारखंड से, ये चीज़ ये होता आई है थिंक आई थिंक बहुत लोगों ने इतना फेस किया है। लकीली नहीं हुआ आई थिंक, या तो मैं सही हो सकता है कि कोटा में शायद हुआ हो, देहरादून में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। इनिशियल लेवल पे कभी कुछ लोग जैसे क्लास में कुछ गर्ल्स वगैरह थी, कभी एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, उसमें एक वो डायलॉग है ना कि झारखंड की प्लेयर थी हॉकी हॉकी में, वो कुछ या एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो लोग उन्होंने कोशिश किया एक बार मजाक उड़ाने का, लेकिन मतलब मैं कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अलग जोन में था। और ऐसे कोई मतलब उन्होंने कैसे टीज करके नहीं किया था, एक रैंडम था मूवी में चला गया, अच्छा ऐसा तो झारखंड से है तो अब ठीक है। मतलब ऐसे तो हर कोई हर जगह से है, देखा जाए तो फिर इंडिया के लोग भी बाहर भी हर जगह है। मतलब आप कनाडा देख लो, कनाडा में पंजाब के लोग भरे हैं, आप US देख लो, वहाँ पटेल्स भरे हैं। मतलब फिर इंडिया के लोग भी तो बाहर है, बाहर के लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं इंडियंस के साथ, ठीक है। मतलब वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो फिर माइंडसेट का प्रॉब्लम है। डू यू रिमेम्बर स्कूल में जो हमने बकचोदियां की हैं? अभी शायद हाँ कई सारे हमारे क्लास की जो लड़कियां हैं जो अब मदर्स बन चुकी होंगी वो भी शायद कभी पॉडकास्ट देखे। गर्ल्स, वी आर सो सॉरी अगर आप लोग के घर में मिस कॉल आया है, तो मिस मोर और कॉल लेस हमारे ही सही आया होगा आप आया, लोगों को, एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। बट यस, कोई गलत इंटेंशन नहीं था, एक छोटा बस ऐसे छोटा ही मजे मजे कर रहे थे। एंड आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, मैं नाम तो नहीं मुझे लूंगा कहते होता ही ऑब्वियसली। काफी था, एक मिस कॉल देना ही काफी होता था, मतलब कुछ पता ही हाँ, नहीं था, बस वो उसमें ही खुश थे सब। एक इंसिडेंट मुझे मुझे बहुत क्लियरली याद है। तुम्हारे घर से हमने किसी को फोन किया था एंड हम लोग शायद भाई साहब खेल के कहाँ आ से रहे थे। हाँ दौड़े आ रहे हो, भाई साहब, इतना हाफ क्यों है? बोला था उसको भाई तो वो कुछ इंसिडेंट्स ने एकदम दिमाग में बैठे हुए हैं कि यार क्या किया है। मतलब आई थिंक जो हमारा जो टाइम था ना, जो टाइम हमने निकाला है, वो सुन तो ना, व्हाट्सएप था ना इंस्टा था, मतलब ऐसा कोई वर्चुअल तो था ही नहीं, जो था वो फिजिकल फॉर्म में था, वो भी बहुत लिमिटेड। मतलब उस एज के बाद देखो यार, मतलब ना हमारा टीवी एडिक्शन था, जब स्पोर्ट्स जब क्रिकेट आता था तब हम टीवी के सामने से नहीं हटते थे, हाँ स्पोर्ट्स तो बहुत था, ना मतलब हमारा वीडियो गेम्स का अब एडिक्शन था। वीडियो गेम्स का एडिक्शन भी मतलब बहुत कम था, उस हिसाब से नहीं था। ऐसा है कि जब जिस वक्त बाहर हम लोग हमारा ट्यूशन सबसे जाते थे, एडिक्शन था बाहर निकलना। जिस वक्त हम लोग ट्यूशन जाते थे स्कूल से आने के बाद, एक साइकिल पे 3 लोग जाते थे, मैं यस यू एंड राहुल, एक साइकिल पे 3 लड़के हाँ जा रहे हैं, और आई थिंक अच्छा खासा दूर है, 3 से 4 किलोमीटर है यहाँ से, मतलब मेरे घर से और तुम्हारे घर से। और अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार वहां तक कैसे जा रहे हो, मतलब अब आप तो भी जाना स्कूल से आते ही फटाफट खाना और जाना, फिर शाम आई को वापस। थिंक हमारे पास सिर्फ 10 या 15 मिनट होते थे स्कूल से आने के हाँ बाद ट्यूशन जाने में, और हर और संडे उसमें में खाना तो खा मैच के स्टेडियम वो में या साइकिल से फिर, निकलते थे तीन लोग। और मैच में ये होता था कि मैक्सिमम किसी न किसी घर से किसी न किसी के पेरेंट्स मना करते थे, तो हमेशा कोई दूसरा लड़का आता था, खड़ा होता था 6 बजे 6 बजे, आंटी प्लीज जाने दीजिए, फिर ऐसे हम लोग मैच खेलने जाते थे। क्या टाइम, मतलब आई आई सीरियसली मतलब मुझे लगता है कि हमारी बात की जो जनरेशन है ना, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। ये जो एक फन है ना, अभी अभी का फन कुछ अलग है, राइट? अभी जो फन का डेफिनेशन हो गया ना, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट जो हमारे लिए था। हमारे लिए फन बहुत ही सिंपलेस्ट वे में था। हमारे लिए छोटी छोटी चीजें ही हमारे लिए बहुत, मतलब वही होता था कि बहुत मजे कर लिए आज तो। घर आने के टाइमिंग्स हुआ करते थे,
विंटर में आई थिंक 5:30-6, समर्स में वो एक्सटेंड होता था 7 बजे तक. आई थिंक वो बहुत गोल्डन टाइम निकला है हमारा, मतलब साथ में. एंड सबसे अच्छा रहता था कि एक एरिया में ही सारे लोग थे, सारे बचपन के फ्रेंड. अब भी हमारा घर वहीं पे है, तो अगर कभी मिलते हैं तो सब सब लोग वहीं पे मिलते हैं. मैं तो तुम्हारे स्टे भी रहा हूँ कॉलेज कॉलेज में क्या लेकिन हुआ? काफी लोगों से ना मेरा 10th के बाद थोड़ा खराब भी हो गया था, और बहुत लोगों से आई थिंक जान उसके मतलब खुद से भी था कि अब बात अब नहीं करना, क्योंकि मतलब मैं ऐसे स्टेज में था जब मेरा 10th से निकला था, तो मतलब थोड़ा ऐसा किसी से अच्छा रहा नहीं था, तो मैं चाहता नहीं था कि यार अब चलो ठीक है अब आगे बढ़ गया लाइफ में, अब मुझे उसी से मतलब भी नहीं है। तो ऐसा भी रहा है कि उसके बाद मतलब एक ये भी था कि चलो ठीक है थोड़ा बाहर जाना है आगे बढ़ना है, जो हो गया हो गया, तो ये भी था। कॉलेज के बाद तुमने जैसे, तो आपने वायरल, वो वायरल वेब एजेंसी, राइट, वायरल वेब मीडिया एजेंसी शुरू की. कब वो कितने टाइम तक चला? वो अराउंड 2-2.5 साल तक चला है। आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ टाइम. उसमें भी काफी लर्निंग्स रही होगी, जो तुम्हारे वायरल मीडिया की जो लर्निंग थी तुमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट? तो हम लोग दोनों भी थे उस वक्त, मैं था रजनीश थे, थर्ड वन ऑफ माय फ्रेंड आकांक्षा, शी आल्सो जॉइंड इट। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे अपना टीम बढ़ाया और दो लोग आए थे फिर बाद में, तो 5-6 लोग हो गए थे। तो इनिशियल में ये था कि अब हम लोग बिल्कुल नहीं थे, बस ये मोटिवेशन था, हम लोग को पता कुछ भी नहीं था, बस मोटिवेशन था कि करना है करना है करना है। तो हम लोग खुद सेल्स भी करते थे, कॉलिंग भी करते थे, गूगल एड्स चलाते थे, लीड्स आता था कॉल करते थे, मीटिंग करके आते थे, कन्वर्ट करते थे, तो सब कुछ सही जा रहा था ऐसे तो। लेकिन ऐसा ऐसा था ना, कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा बिजनेस में कुछ मिस्टेक्स भी थे। पहला मिस्टेक ये था कि हम लोग का अपनी सैलरी फिक्स को था नहीं उस वक्त, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो भी पैसा आता था अपना ले लेके खत्म, मतलब थोड़ा अनप्रोफेशनली वो करते थे। लेकिन ये था कि अब बीइंग घर से बाहर थे, तो अपना खुद का भी रेंटल है, ऑफिस का रेंटल है, धीरे धीरे एक टीम साइज भी हो गया, कुछ सबका भी देखना है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो काफी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी थे जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर भी नहीं थे पहले से, वो प्लानिंग नहीं ऑब्वियसली. था मतलब सही से। तो ये 2-3 मिस्टेक था मतलब, जो कि बाद में ऑलमोस्ट हम लोग को हमेशा फील होता था 6 महीने या 1 साल में। इस तरह करके 2-2.5 साल तक हम लोग गए, फिर हम लोगों ने प्लान किया, मतलब मैंने प्लान किया कि मैं और तो नहीं करूंगा, फिर मैं अलग हो गया था। मिस्टेक्स जो भी वहां पे हुई होंगी, वो लर्निंग्स भी तो रही होंगी तुम्हारे लिए ये आगे की लर्निंग जर्नी सर में. क्योंकि इसका मुझे फायदा मिला है फर्स्ट बर्ड में, और एक बड़ी लर्निंग ये थी कि जैसा कि मैंने बोला कि शुरू में मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, जब मैं जॉब में भी था तो जॉब मैंने अच्छे से किया, लेकिन हमेशा ना वो ईगो होता था अंदर कि आज किसी ने बोला तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये सोच सोच के मैंने 2 साल जॉब किया, किसी का सुनना नहीं है। लेकिन जब बिजनेस में आया तो आई थिंक वो ना थोड़ा चेंज हो गया, जब मीटिंग करने जाते थे क्लाइंट के पास 3-4 घंटे बैठना भी होता था सेल्स में, तो शुरू में लगता था थोड़ा वो ईगो पे आता था कि कैसे बैठ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज किया करते 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 आज ऐसा हो गया, वो पूरा ऑपोजिट, आज तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये वो पहले वाला है। तो बहुत सारी लर्निंग्स है, तो जब फर्स्ट बर्ड शुरू किया तो इतना इतना मतलब पक्का था कि बहुत जल्दी फिक्स कॉस्ट को नहीं बढ़ाना है, मतलब बहुत जल्दी ऑफिस नहीं करना है, बहुत जल्दी कोई बड़े फिक्स एसेट पे मतलब पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा पहले इसको बूटस्ट्रैप करके ग्रो करेंगे, और एक लेवल तक जब 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 तक नहीं जाता एक लेवल तक, तब तक कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे अपना। तो वो सारा यहाँ पे इम्प्लॉई मतलब हुआ है, और ये भी हुआ है कि थोड़ा स्लो भी चला है इनिशियल लेवल लेवल पे, लेकिन स्लो इसलिए चला है कि यहाँ पे मैं क्लियर था, फिर मतलब पूरा दिमाग में क्लियर था कि मुझे जल्दी बंद नहीं करना है, मतलब इम्पेशेंट हो गया, मतलब मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही तैयार था पहले से, प्रिपेयर था मेंटली कि मुझे खींचना है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बहुत एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. जो जैसे वायरल वेब मीडिया में तुमने जो काम किया, अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया, 2-3 लोग जुड़ के तुम लोगों ने काम किया, वहां से जब एग्जिट मारा, क्या मतलब बिजनेस सेंस तो ऑब्वियसली ग्रो होता ही है इंसान का, एक क्योंकि वो मिस्टेक से आप सीखते हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंगेजमेंट, जो आप आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशन होता है, कि लीडरशिप स्किल्स हो गए, कि इसमें मैंने इंसान पहचानने में, या फिर जो साथ में जो जेलिंग होनी चाहिए दो पार्टनर्स की, नॉट नहीं फ्रेंड्स, पार्टनर्स मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर्स. मिस्टेक नहीं, यहाँ पे सब कुछ मतलब ऑब्वियसली तो मेरा था, मैं ही कर रहा था, रजनीश तो जो मेरा मतलब उसमें कलीग भी था पार्टनर भी था, तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था, कहने के मिस्टेक भी सबकी थी क्योंकि हम लोग सब नए थे, और वो सारे आज भी साथ हैं, मतलब उसके बाद मैंने रजनीश से पता नहीं कितने बार हेल्प लिया है, हर साल लिया है, जब फर्स्ट बर्ड में था कैपिटल कम है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होता नहीं था, पैसे कम होते थे, अब वेबसाइट चाहिए सस्ते में, मैंने रजनीश को याद किया, उसने फटाफट बुक ऑफ में एक वेबसाइट बना के दिया, कौन बनाता है एजेंसी के पास आप जाओ 50-60 हज़ार रुपये लग जाते हैं, बेसिक करेक्ट. बेसिक चेंजेस, मेरा जो फर्स्ट बर्ड का पहला जो स्टिकर बना लेबल बना वो मैंने अपने फ्रेंड से बनवाया रजनीश से, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब उनको याद तो उसी वक्त किया कि यार चलो ठीक है अब यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, और मुझे पता था कि ये मतलब ये हैंडी है मतलब यहाँ पे,
यहाँ पे इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, इस अवेलेबल पैसे में। तो मतलब साथ हमेशा रहे, वो लेवल अलग था उस टाइम हम लोगों को, मतलब उसकी भी करेक्ट, मिस्टेक, मेरी भी मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ से सबने सीखा है, उसने भी सीखा है काफी कुछ, मैंने भी सीखा है, वहां से आगे बढ़े हम लोग सबको। ओके। तो अब फर्स्ट बर्ड की स्टोरी पे आते हैं। फर्स्ट बर्ड जब स्टार्ट हुआ, पहले तो ये फर्स्ट बर्ड नाम कैसे आया? बस बड़ा ऐसे आया कि जब मैं शुरू कर रहा था तो इनिशियली प्लान था कि टी ब्रांड ही बनाना है बस बट। ओके तो जब टी की आप बात करते हो तो टी जो लीव्स होते हैं ना उसमें दो बर्ड्स होते हैं और एक लीफ होता है। और सेकंड ये था कि हम लोग का ये प्लान था कि कॉन्सेप्ट ये था कि हमें फर्स्ट प्लस लीव्स देने हैं, मतलब जो पहला कल्टिवेशन का होता है जिसमें जो कि काफ़ी प्रीमियम भी होता है, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी हाई होते हैं, न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ से फर्स्ट बर्ड आया था। जब हम लोगों ने बाद में और भी प्रोडक्ट्स ऐड किए, हम ही आया और एक भी सेकंड, मैं एक रोक रहा हूँ। जब आप बोल रहे हो कि बार बार हम लोगों ने, मतलब आपने अके तुमने अकेले शुरू किया या फिर कोई और भी फर्स्ट साथ में शुरू था? हुआ था तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था गौरव, तो ओके ओके गौरव वाज बेसिकली माय सीनियर फ्रॉम देहरादून, बायोटेक्नोलॉजी में सेम कॉलेज में थे वो, मतलब उनका स्ट्रीम अलग था, तो हम लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया। ओके तो फिर वहां से फर्स्ट बर्ड की स्टोरी। और चाय क्यों, मतलब ऑर्गेनिक टी ही क्यों, मतलब कुछ और दिमाग में था या फिर ऑर्गेनिक टी से? अब जब आप शुरू करते हैं तो आप ये देखते हो कि आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है, या तो आप कैपिटल देखते हो, या आप देखते हो कि अच्छा क्लासेस की सोर्सिंग है, या फिर आप बहुत अच्छा पूरा रेडी करके आते हो। तो हमारे पास ना यहाँ पे सोर्सिंग थी काफ़ी अच्छी, हमें पता था कि बहुत अच्छी क्वालिटी की टी लीव्स है, और हमारे पास वेंडर्स थे अच्छे, तो हमें पता था कि हम ये कर सकते हैं। सेकेंड ये था कि हम लोगों ने जो छोटा मोटा सर्वे वहाँ पे रन किया था, अमेजोन पे भी हम लोगों ने उस पर देखा था, तो तुलसी ग्रीन टी उस पर काफ़ी अच्छा जाता था, और वो ऐसा फेस था कि हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, जॉब में भी नहीं थे, जॉब छोड़ चुके थे, वैलिडिटी बंद हो गया था, तो थोड़ा हम लोग वैसे में थे, तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे थे उस वक्त। प्लान आया नहीं, चलो ठीक है, अभी जो कमर्शियल टीज है ये काफ़ी कट फॉर्म में, हम लोग थोड़े लूज लिफ टी में आते हैं, तो इस तरह शुरू हुआ, शुरू किया था। फिर धीरे धीरे फर्स्ट बर्ड का नेक्स्ट स्टेप्स क्या हुआ, मतलब कब लगा कि इसको अब ये यही वो, क्योंकि वायरल वेव में तुम थे वहां पे, फिर 2-2.5 साल बाद लगा कि यार नहीं ये नहीं। तो फर्स्ट बर्ड में ये कब फील आया कि चाहे कुछ भी हो इसी को मुझे आगे बढ़ाना है और इसी के साथ चलना है? तो इनिशियल 5-6 महीने तो टफ ही थे, और वो मतलब किसी के लिए भी टफ होता है, चाहे आप कोई भी बिजनेस देख लो, 5-6 महीने करेक्ट या शुरू का 1 साल। तो शुरू के 5-6 महीने ऐसा कोई रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आया भी नहीं था, और हमारे पास बजट काफ़ी कंस्ट्रेंट था, मतलब हम लोगों ने शायद जिस बजट में शुरू किया है कोई शायद उस वक्त करे भी ना, या कोई उस वक्त प्लान भी ना करे, क्योंकि बहुत ही शांत बैठ के देखा है, क्योंकि लिमिटेड बजट था मार्केटिंग के लिए, कुछ कभी इतना कुछ किया भी नहीं था उस वक्त। तो हम लोगों ने जो कितने से हमारा शुरू किया? ओके आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपए थे, जिसमें भी और आउट ऑफ परचेज पॉकेट था, मतलब अपने अपने किया हुआ। प्रीवियस सेविंग्स वगैरह से, घर हाँ, से? कुछ छोटे भाई से भी लिया था, कुछ एक फ्रेंड था उससे भी लिया था, ओके इस तरह करके। तो पहला बैच साइज हमारा 500 का था, तुलसी ग्रीन टी बॉक्सेस का। अब वो लेके तो आ गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि कब निकलेगा ये, और शेल्फ लाइफ भी होता है 12 महीने का। शुरू के 3-4 महीने तो ऐसा गया कि मतलब कुछ भी नहीं था, आई थिंक हार्डली 15-20 ऑर्डर आए होंगे। फिर तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डेली एक एक ऑर्डर आने लगा, फिर अल्टरनेट डेज में फिर और ऑर्डर्स बढ़ने लगे, तो यहाँ से ना कॉन्फिडेंस आ गया, और ये लगा कि चलो ठीक है, किसी के घर में मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, किसी के किचन में मेरा ब्रांड का एक टीम पड़ा हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा ये आ गया कि नहीं यार अपना थोड़ा अच्छे से करना है। लेकिन चैलेंजेस थे, फिर भी चैलेंजेस ये थे कि एक तो हमारे पास बजट था नहीं मार्केटिंग वगैरह का, लेकिन यहाँ पे हमारे ना ऑर्गेनिक सेल्स आने लगे थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ। तो पहले साल अराउंड हम लोगों ने 23 लाख के आसपास का रेवेन्यू किया था, तो जब पहला साल क्रॉस हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं नहीं अब तो अच्छे से करना है। अब यहाँ के बाद हमें जो मेजर सक्सेस हमें मिला ना, वो मिला हनी से, जो मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है हनी, पहाड़ी हनी के नाम से किया था। वहाँ से सेल्स हम लोग के बढ़ गए, मतलब डेली हमारे 50-60 यूनिट हो गए, महीने का 4-4.5 लाख पहुँच गया। मैं तुम इस पॉडकास्ट पे इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब जस्ट तुमने, क्योंकि अपने हनी की बात की, आई थिंक फर्स्ट बर्ड का और जो हनी आपका पहाड़ी हनी है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हनी। क्योंकि मैं इससे पहले कभी हनी, मतलब बचपन से ही मुझे ना हनी, मैं कभी हनी का टेस्ट अक्वायर नहीं कर पाया। बहुत लोग बोलते थे कि नींबू में हनी डाल के पियो और काफ़ी चीज़ों में कि मीठे की जगह आप हनी यूज़ कर लो, बट मैं कभी वो टेस्ट ना अक्वायर ही नहीं कर पाया। बट यस, तुम्हारा जो फर्स्ट बर्ड का पहाड़ी हनी है, इज द फर्स्ट हनी जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज करता हूँ, एंड आई थिंक आई हैव इट समवेयर। ये मेरा डेली डेली यूसेज का है, सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू हैव, सो कांग्रेचुलेशन ऑन दिस। हाँ जी अच्छे लग गया था कि यार थोड़ा अच्छे से करना है, लेकिन वो बीच में ना फिर चैलेंजेस आते रहे, कुछ ना कुछ होता रहा। गौरव मेरे साथ थे,
कुछ फैमिली रीजन की वजह से उनको भी छोड़ना पड़ा, कुछ उनके पर्सनल रीजन भी थे जॉब, क्योंकि हम लोग ऑल्दो बिजनेस वॉज ग्रोइंग लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग अपने लिए नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ कैपिटल हमेशा इन्वेंट्री में ही फंसा होता था। फाइनली गौरव के जाने के बाद फिर मैंने उसके मम्मी को लाया कंपनी में, बीच में मैं दिल्ली में भी बुक किया, मैंने पूरा शिफ्ट किया दिल्ली में, वहाँ भी एक 3 BHK लिया, 4th फ्लोर पे मिला था, सारा सामान ऊपर लेके जाते थे, पूरा मेरा इन्वेंट्री प्रॉफिट फ्लोर पे था, मतलब ऐसे भी बिजनेस किया है। और एक रीज़न और था, मैं बता रहा हूँ मुझे क्यों देहरादून और दिल्ली भी जाना पड़ा, उस वक्त जब मैं अपने होम टाउन से प्लान कर रहा था तो जो वहाँ का पिन कोड है वो एक्चुअली एक्टिव ही नहीं था सेलिंग के लिए, मतलब अगर मैं वहाँ से करता तो अनुपम के जो पिकअप्स वहाँ से होते ही नहीं ऑर्डर्स के, मतलब मेरा एक मजबूरी भी था उस वक्त बाहर जाके ही शुरू करना है, तो आइदर ऑप्शन वॉज दिल्ली और देहरादून। अब दिल्ली मैंने चूज नहीं किया थोड़ा लाइफ स्टाइल की वजह से भी, मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे छोटे शहर ही ज़्यादा पसंद है। देहरादून एक रीज़न ये भी था कि चलो ठीक है मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से था, अच्छे कनेक्शन है, प्लस ऑर्गेनिक मोस्टली आप देखो उत्तराखंड या सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट्स भी हैं और थोड़े वहाँ पे अच्छे कनेक्शन मिल गए थे वेंडर्स के। और सबसे बड़ा हक ये मिला कि वहाँ पे मेरे फूफा जी का घर था, वो लोग वहाँ पे रहते नहीं थे, वो लोग हिमाचल में रहते थे, वो घर खाली था, तो उन्होंने वो मुझे दिया कि यार तू यहाँ से कर, तो वो भी बहुत बड़ा हेल्प था क्योंकि वहाँ पे मेरा रेंटल कॉस्ट 0 था, अगर मैं यही दिल्ली में रहता तो आई थिंक रेंटल भी आता मेरे साथ। तो शुरू में वो जो स्टार्ट करने के लिए जो चाहिए था सब कुछ मुझे वहाँ मिल गया था, तो इसलिए भी वहाँ से शुरू किया। तो इस तरह चला हमारा, मतलब फिर कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में वी डिड अराउंड 96 लाख के आसपास किया था। आई रिमेम्बर क्योंकि जब कोविड आया था हमारी काफी तुम्हारा भी तबीयत खराब थी जब तुम देहरादून में अकेले फंसे हुए थे, लेकिन हमारी उस टाइम रेगुलर बात हो रही थी एंड यू सेड कि कोविड के वजह से तुम्हारा सेल्स काफी पिक हो गया है। क्योंकि उसका नहीं कि बाद में मतलब सेटबैक भी आया, फेज 1 में तो सब कुछ अच्छा गया और फेज 1 में मुझे कोविड नहीं हुआ था, फेज 2 जब आया ना उस वक्त हम लोगों ने काफी इंफ्रा लेवल पे काफी कुछ कर लिया था, एक नया ऑफिस ले लिया था, टीम हायरिंग कर ली, कुछ कर लिया था, अच्छे खासे पैसे वहाँ पे इन्वेंट्री पे भी लगा दिए थे, और उस समय मुझे कोविड हो गया और मुझे नहीं मेरे ऑफिस में सबको, और हमारा ऑपरेशन देहरादून में 3 से 4 महीने के लिए बंद रहा, तो वो बहुत से बहुत इम्पैक्ट आया मतलब इन्वेंट्री पे, सेल्स पे, सब कुछ पे। उस टाइम मैनेज उस टाइम मतलब क्योंकि लोग जो तुम्हारे तुम्हारे लिए काम कर रहे थे सब बीमार थे, अब उस वक्त मैं क्या बोलूंगा किसको, क्योंकि तो सबसे पहले जैसे मैं ठीक हुआ फटाफट मैं तो अपने होम टाउन गया, वहाँ पे 1 महीने फिर मैं अपने घर में रहा, ठीक हो गया तो मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं यार अब घर से करूंगा, और काफी लोगों ने कोविड के बाद स्विच भी किया अपने वापस अपने होम टाउन, तो वो एक फेस था मुझे लगा कि ऑनलाइन ही करना है ऐसे भी अभी, तो मतलब जो सेल था मेरा ऑनलाइन ही था, ऑफलाइन ऐसा कुछ था नहीं, तब मुझे क्लियर हो गया कि नहीं अब घर से करता हूँ, उस वक्त वहाँ का पिन कोड एक्टिव भी हो गया था। और सेकंड ये भी था कि मुझे फिर मुझे ना थोड़ा स्ट्रक्चर को लीन करना था, 3-4 महीने मुझे जो मतलब थोड़ा जो लॉस आया था मुझे उसको मेकअप भी करना था, तो प्लान ये था कि टेम्पररी अपने होम टाउन शिफ्ट करता हूँ, 1.5 साल देखता हूँ थोड़ा अच्छे से बैठ के ग्रो करता हूँ, फिर देखूँगा आगे का सब जो होता है। तो फिर जो भी मेरे साथ थे उनको बोला, फिर उसमें से कुछ लोग आज भी साथ ही हैं, वर्चुअली कर रहे हैं काम, मतलब उनको मैंने बोला वर्क फ्रॉम होम करो, देखो मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहता लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो उन्होंने भी समझा उस बात को, तो आज कुछ मेरे लिए फ्रीलांसिंग भी करते हैं, कुछ वर्चुअली भी कर रहे थे, और इस तरह फिर अपने होम टाउन शिफ्ट हुआ। तो घर में ये था कि चलो ठीक है एक नीचे अपना एक छोटा सा बना लिया लोगों ने वेयर हाउस, और तो रेंटल कॉस्ट सेव हो गया, सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे फिर फर्क पड़ा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर सॉर्टेड हो गई थी, थोड़ा शुरू में 1-2 महीने थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पूरा इन्वेंट्री मूवमेंट सब कुछ हुआ और धीरे धीरे वो मतलब सॉल्व हो गया सारा। किस ईयर में फर्स्ट बर्ड स्टार्ट हुआ था? 2017-18। तो 2017-18 में जैसे तुमने बोला कि फर्स्ट ईयर में 23 लाख का बिजनेस हुआ, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कैसा रहा बिजनेस, ग्रो किया वहां से? 46-96 मतलब हर साल 100% से ग्रो कर रहे थे, 100% ग्रोथ हो रहा था ईयर ऑन ईयर हर साल। एंड आज क्या रेवेन्यू है फर्स्ट बर्ड की? इसके बाद हम लोगों ना 2-3 साल थोड़ा फ्लैट गया है, एक मतलब सेकंड फेज कोविड का है उसके बाद से, तो 2 साल ऑलमोस्ट फ्लैट गया है, 70-80 पे था 70-80, तो फाइनली इस साल हम लोगों ने इम्प्रूव किया, तो अभी जब हम लोग शार्क टैंक में गए थे तो इस साल हमारा अच्छा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 crore के आसपास गया है, जो कि होपफुली नेक्स्ट ईयर तक हम लोग 5-5.5 crore कर जाएंगे। तो ये मैं प्री शार्क टैंक की बात कर रहा हूँ, तो शार्क टैंक से पहले जो फेज था वहाँ पे
तुम्हारा मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैसा रह रहा था, या फिर ये जो सेल्स आ रहे थे, क्योंकि 100% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज ह्यूज राइट, तो वो ऑर्गेनिक सेल्स है या मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, मतलब कितना मार्केटिंग पे कितना तुम खर्चा करते हो, पहले कितना कर रहे थे? शुरू में फर्स्ट ईयर तो हम लोगों ने बहुत नॉमिनल किया, आई थिंक वो 10% होगा, उसके बाद से हम लोगों ने किया नहीं, ऐसे तो होगा नहीं, तो हम लोग एक जो भी हमारा रेवेन्यू आता था उसका 20% हम लोग लेके चलते थे, अभी 25 भी गए 30 गए कि एवरेज आप मानो कि 20% हम लोग लेके करते हैं, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया 30-35 तक करते हैं, तो फिर और मेनली हम लोग जो पेड एड्स जो करते थे वो मेनली अमेजोन पे ही करते थे, कभी इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे नहीं किया, कभी इतना एग्रेसिवली नहीं किया, क्योंकि ये आइडिया ये था कि जहाँ पे सेल आ रहा है वहीं पे करो अभी, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट का रूम नहीं था, अगर आप मेटा पे ऐड करते हो तो एक अच्छा बजट भी चाहिए आपको, और ROI इनिशियल लेवल पे इतना होता नहीं है। उस टाइम 17 में तुमने स्टार्ट किया, 18 19 20 21 के आसपास, सपोज 2021 की बात करते हैं, 2020-2021 के आसपास कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रहा था, अभी लास्ट दो साल में कितना आ रहा है? देखो सर, तो अमेज़न पे हम लोग का लगभग आई थिंक 40 के आसपास आता था, 40 रुपये, अभी जो 60-70 रुपये दे गया होगा। ओके ओके, आई रिमेम्बर आई थिंक आज से 2 या 3 साल पहले अमेजन ने भी फर्स्ट बर्ड को काफ़ी प्रमोट किया था इन टर्म्स ऑफ अमेजन के लॉन्च पैड, जो उनका स्टार्टअप का लॉन्च पैड हुआ था, देन तुम टाइम्स में भी, टाइम्स के मैगजीन पे भी तुम्हारे आर्टिकल्स आए थे कोविड के आसपास का, ये राइट राइट आई रिमेम्बर दैट, क्योंकि तुमने भेजा था मुझे, देन आई शेयर्ड विद हमारे जो, मतलब क्योंकि मेरे जो स्कूल वाले, मेरा अभी भी काफ़ी अच्छा कनेक्ट है उनमें, तो वहाँ पे मैंने भेजा था, मैंने बताया यार मित्रेश का टाइम्स में आया है, तो लोग बोल रहे थे यार कितना अच्छा है, मतलब पता नहीं था ये बंदा इतना ग्रो कर गया है, तो एक वो टाइम था। फिर मैं अगर अब बात करूँ, तुम्हारा शार्क टैंक होने से पहले तुमने ब्रांडिंग पे काफ़ी काम की है, मतलब मैं भी उसमें थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्व था, जो मेरे सजेशंस हो सकते थे मैंने भी काफ़ी तुम्हारे साथ टाइम बिताया है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कुछ आइडिया था, बट मैंने सीखा भी उससे, मुझे भी शायद आगे जाके हेल्प करेगा, बट ब्रांडिंग अब तुम्हें कितना लगता है कि शार्क टैंक से पहले जब तुम शार्क टैंक जाने की कोशिश कर रहे थे, और उससे पहले जब 17, 18, 19, 20 का जो टाइम था, तब के तुम्हारे ब्रांडिंग में और अब के ब्रांडिंग में कितना फर्क है, या फिर अभी ब्रांडिंग का कितना इंपॉर्टेंस हो गया तुम्हारे लिए? ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस ना हमेशा से था, लेकिन इनिशियली क्या हुआ कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तभी ध्यान नहीं दिया उस डायरेक्शन में ठीक से, सेल्स की अलग अलग कैटेगरीज है हमारी, चीज है, स्पाइसेस है, तो उस वक्त ये था कि चलो ठीक है ये डिज़ाइन अच्छा लगा ये बना लो, कभी एक प्रॉपर ब्रांड का टाइम किया, ब्रांड में यूनिफॉर्मिटी थी, मिसिंग था, तो ये पता था काफ़ी टाइम से कि यार ये ना इसको चेंज करना है, लेकिन हम लोग चेंज इसलिए भी नहीं कर रहे थे, हम लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे कि जो बिक रहा है फिर ऐसा नहीं हो कंज्यूमर को नया ब्रांडिंग समझ के ना फिर वो लेना, क्योंकि ये भी रिस्क था मार्केट प्लेसेस में, लेकिन फाइनली जब मतलब ऐसा टाइम आया कि लगा नहीं नहीं अब चेंज करना है इसको, सही करूँगा, तो ये शार्क टैंक से पहले ही चेंज किया सारा मैंने, तो ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, मैं लोगों का भी, लोगों सब ब्रांडिंग चेंज, मतलब चेंज करने का कोई पर्टिकुलर रीजन था, कुछ सोच के तुमने चेंज किया? रीजन ये था कि एक तो काफी टाइम से माइंड में ही था कि नहीं एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, क्योंकि रीजन क्या होता है जब एक ब्रांड में यूनिफॉर्मिटी होता है तो कंज्यूमर के माइंड में ना जल्दी वो परसेप्शन आता है ब्रांड का, आपको एक ब्रांड का रिकॉल आएगा, ठीक है इनके ब्रांड कलर से है, ब्रांडिंग ऐसा है, पैकेजिंग ऐसा है, जब सब कुछ अलग है वो थोड़ा मुश्किल होता है हमें भी फीट करने में, तो कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली सेल्स में भी हेल्प करता है, और थोड़ा पोजिशनिंग में भी, लंबे समय तक आपको ब्रांड आपके दिमाग में बैठा रहता है, तो ये था कि ये करना है, क्लियर था, लेकिन टाइम लगा इसमें, लेकिन जब मतलब एक बार हम लोग फिक्स हो गए, क्योंकि बीच में हम लोगों ने और भी प्लान किए थे, 2-3 बार बीच में चेंज किए थे, लेकिन वो पसंद नहीं आए थे, तो फाइनली जब यहाँ पे लगा कि नहीं बिल्कुल सही टाइम है, हम लोगों ने किया। जब तुमने आंटी को इन्वॉल्व किया बिजनेस में, मतलब ये आइडिया किसका था, तुम्हारा था या कुछ मतलब सोच के आंटी को इन्वॉल्व किया? मतलब और दो थे बेसिकली, एक तो जब गौरव गए तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको एक डायरेक्टर और चाहिए होता है, तो वहाँ पे मम्मी को ऐड करना था, सेकेंडली एडिशन से पहले ना मम्मी के दो प्रोडक्ट थे ऐसा, एक तो पिकल्स को, क्योंकि पिकल्स को बनता ही था हर साल घर में, तो पहले साल जब हम लोगों ने लिस्ट किया था अमेजोन पे उस साल 150 या 200 किलो बॉक्स बने थे, तो बस चेक करना था कि यार लिस्ट करके देखते हैं बिकता है या नहीं बिकता है, और फिर ऐसे चाय मसाला बनाया मम्मी ने घर में, वो भी लिस्ट किया हम लोगों ने, तो ये दो SKU तो आ गए थे जिसमें इन दोनों का सेल काफ़ी अच्छा होने लगा, मतलब इनकी मूवमेंट शुरू हो गया, तो क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट इनिशियल डेज में अगर निकलना शुरू हो जाए और थोड़े अच्छे रिव्यूज आते हैं तो पता लग जाता है कि यार सही है, थोड़ा उस पर हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे ही नया सीजन आया अगला हम लोगों ने उस पर थोड़ा और ज़्यादा ग्रो किया, 200 से 1000 किलो तक बनाया, तो वो भी अच्छा गया, तो पता लगा चलो अगले साल और बनाना है, तो इस तरह एक उनका पार्ट यहाँ पे आ गया, मतलब फुल टाइम हो गया, फिर जब जैसे मैंने अपने होम टाउन शिफ्ट किया
ये पूरा पार्ट उनका ही था, ये जो ऑपरेशन में और ये मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट। उसके बाद डेली लेवल पे जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग वगैरह उनको देखना था, क्योंकि उस वक्त टीम की साइज बहुत बड़ी नहीं थी, तो हम लोगों ने आपस में कुछ रोल्स डिवाइड किए हुए थे, तो डेली बेसिस पे जो भी ऑर्डर्स वगैरह पार्ट है सारा उनके। तो जब तुमने स्टार्ट किया आज से अभी तुम्हारे कितने एसक्यूज हैं और पहले कितने थे? बीच में मैंने 30 के आसपास पहुंच गए थे, 30-35, आई थिंक अभी 15 से 20 है। हम लोगों ने 8-10 एसक्यू हटाए धीरे धीरे करके। अभी सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स क्या है फर्स्टबर्ड के? लाकाडोंग टर्मरिक, स्टीविया, लाकाडोंग तो नंबर वन है, स्टीविया हनी, पाड़ी हनी, मैंगो पिकल। ये मतलब अगर मैं अगर बहुत ही एक जेनरिक यू नो बहुत ही एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड, क्योंकि ये जो मसाले खरीदने का जो डिसीजन होता है नॉर्मली, मतलब मैं कोई सेक्सिस्ट या कोई ऐसा कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्मली जो घर की लेडीज होती है वो डिसाइड करती हैं कि ये मुझे ये हल्दी लेना है, ये मसाला लेना है। ये लैकाडोंग सिलेक्ट करने का, जो फर्स्ट बर्ड का लैकाडोंग है, वाई लोग क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट बर्ड के लैकाडोंग को ओवर मे बी MDH या जो कि मतलब ऑफ द शेल्फ हर जगह, हर यू नो डीमार्ट हो या किसी भी स्टोर हो, छोटा से छोटा किराना स्टोर कहीं भी दिखता है। हमारा एक चीज क्लियर था कि हमें क्वालिटी में खेलना है, तो हम प्राइस वॉर नहीं करेंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे जो थोड़ा अपर सेगमेंट को या अपर मिडिल क्लास को या प्रीमियम सेगमेंट को ही टारगेट करेंगे, इस चीज में हम क्लियर थे। तो इस वजह से ये क्वालिटीज भी लेके आए और ये प्राइसिंग भी रखा है हम लोग। तो हमारे ऑलरेडी एक सेट ऑफ कंज्यूमर्स हैं जिनको ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद थे, जिनके ऑलरेडी डिमांड्स आ रहे थे। सेकेंडली क्या है कि जब आप लाकाडोंग टर्मरिक की बात करते हो, एक हाउस होल्ड टर्मरिक से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। पहला तो है कर्कुमिन कॉन्टेंट, ठीक है, कुछ वैराइटीज है इंडिया में टर्मरिक की ऐसी जहाँ पे जिस टर्मरिक में कर्कुमिन काफ़ी हाई होता है, जिसमें से लाकाडोंग एक है। तो लाकाडोंग में 5-8% होता है, किसी किसी में ज़्यादा भी होता है, हर बैच का अलग अलग होता है। तो कर्कुमिन मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसे टर्मरिक के सारे वो जो आप बोलते हो ना हीलिंग प्रॉपर्टी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, तो कर्कुमिन ही रेस्पॉन्सिबल है। आप अगर देखोगे फार्मा में तो कर्कुमिन के टैबलेट्स भी आते हैं, तो एक आपको एक नेचुरल वो मिला है, उसका अल्टरनेटिव मिला है लाकाडोंग के रूप में। आप उसको घर में खाने में यूज़ करो, आप उसको अपने कॉस्मेटिक्स में यूज़ करो, फेस बहुत लोग उसको फेस में भी लगाते हैं मास्क के उसमें यूज में, तो आप कर सकते हो। और सेकेंड ये कि यूसेज है, अगर आपका नॉर्मल टर्मरिक फॉर एग्जांपल 1 महीने चलता है तो ये 1.5 से 2 महीने चलेगा, ये भी है, तो यहाँ भी कोई डिफरेंस है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब मैं हमेशा से सोचता हूँ कि जैसे तुम्हारे जो जितने भी ग्रीन टी हैं, तुलसी टी हो गया, स्लिम टी हो गया, डिटॉक्स टी हो गया, ना अगर अभी अगर मैं मार्केट में जाऊँ, जितने भी तरह के ऑर्गेनिक टीज आते हैं आजकल, जितने भी चाय आते हैं ऑर्गेनिक, सबके जो बॉक्स बॉक्स का साइज है या फिर जो बॉक्स का शेप है, इट्स सेम, वो सिलिंड्रिकल शेप का सबका बॉक्स है, राइट? इट्स जस्ट अबाउट द ब्रांडिंग, राइट? तो आज एक बंदा, मैं अगर मतलब बहुत ही एक जो हर जगह दिखता फैब इंडिया के साथ जो ऑर्गेनिक इंडिया की टीज वगैरह बहुत चलती हैं, मैं भी पहले यूज करता था, तो वाई वुड समवन प्रेफर फर्स्ट बर्ड ओवर ऑर्गेनिक इंडिया? मतलब वो तुमने कंपटीशन किल करने के लिए क्या किया, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक यू नो ब्रांड है, तुम एक स्टार्टअप हो, एक बूटस्ट्रैप स्टार्टअप थे, तो वो मार्केट शेयर लेने में कितनी मेहनत लगी और उसके लिए क्या किया? हम लोगों ने क्या किया इनिशियली, जब हम लोग आए थे तो जो भी कमर्शियल ब्रांड्स हैं अवेलेबल थे ऑनलाइन पे या फिर ये थे, तो हम लोगों ने मेनली कभी उनसे प्राइस में कॉम्पीट नहीं किया उस वक्त। जैसे आप जो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डिफरेंस भी देखोगे, अगर आपने टी कंज्यूम किया होगा फर्स्ट बर्ड का, हम लोगों ने बोला कि लूज लिफ्ट ही है। तो जब हम लोगों ने लूज लिफ्ट ही बोला है, तो वहाँ पे टी में कोई कट्स नहीं है, लिप्स में कोई कट्स नहीं है, वो होल है, होल लिफ्ट। तो जब आप होल लिफ्ट कंज्यूम कर रहे हो, प्लस हम लोग जो टी लिप्स यूज करते हैं, टी लिप्स में भी ना अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट प्लस होता है, सेकंड प्लस होता है, थर्ड प्लस होता है, नॉर्मली फर्स्ट सेकंड ये प्रीमियम क्वालिटी में आते हैं। अगर मैं ऐसे लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, अगर फर्स्ट प्लस की प्राइसिंग 4,000 रुपये किलो है, तो सेकंड की ऑलमोस्ट 2,000, थर्ड की 1,000, इस तरह इतना डिफरेंस आता है। तो आप जो कमर्शियल टीज ले रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो, उसमें कौन सा प्लस है ये आपको भी नहीं पता। मतलब हो सकता है कि उसमें जो टी लिप्स है प्राइसिंग का यहाँ पे फर्क आ सकता है, हो सकता है कि जो टी लिप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्टली है, तो यहाँ पे थोड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वालिटी में ही मतलब सारा उसमें जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग की थी वो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया था, कि हमें जो हम जो भी लिप्स यूज़ करेंगे अगर फर्स्ट और सेकेंड फ्लश करेंगे, सेकेंड से नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये था। सेकेंड क्या है कि जब हम लोग वैलिडेशन लेते हैं ना, जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक में हम लोग बोलते हैं कि हाई कर्कुमिन कंटेंट है, तो वो है, मतलब हम लोग टेस्ट रिपोर्ट्स भी देते हैं। जिंजर में हम लोग बोलते हैं हाई जिंजर ऑयल कंटेंट है, अभी हम लोगों ने सैफ्रन सोर्स किया है कश्मीर से, तो उसमें हाई क्रॉसिंग कंटेंट है। अगर मैं हनी की बात करूँ तो ऑल्दो इंडिया में मतलब ऐसा एनिमल टेस्टिंग का इतना वो नहीं है, इंडिया के लिए ऐसे वो वैलिड भी नहीं है, लेकिन
फिर भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने NMR टेस्ट भी कराया हुआ है, तो हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक वैलिडेशन रखा है कि चलो ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए हमारे पास रिपोर्ट्स है, तो हम लोगों ने उस पर मतलब क्लियर कट अपना एक वो बनाया हुआ है, टीम कर रहे हैं तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि चलो। अब जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जितनी अब क्योंकि ऑर्गेनिक का सेल्स बहुत बढ़ रहा है, तो लोग धीरे धीरे अपने जो नॉर्मल यू नो हम भी एज मतलब मिलेनियल्स या फिर जो लोग भी आजकल यूज कर रहे हैं, सिर्फ मिलेनियल्स नहीं आई थिंक जो हमारे से एक पिकल्स जनरेशन ऊपर है भी ना, है अर्बन. पिकल्स पिकल्स में हमने किसके लिए बनाया, ये पिकल है घर हाँ वाला। अब जो बड़े शहर में जिसके पास समय नहीं है कि वो दादी वाली माँ के हिसाब से बनाए, तो ये पिकल्स उनके लिए है। या आप उस टेस्ट को मतलब खा कर देखो, आप उसको मतलब फील करो। तो हमारा मतलब कंज्यूमर यहाँ पे डिफाइंड था, और वही लोग लेते हैं मतलब मेनली मोस्टली आप देखो राइट जो खुद से अपने घर में बना रहा है, सीजन में क्यों लेगा, हाँ. यह चार वो नहीं लेगा। तुम्हारा जो भी कम्प्लीटली बिजनेस मॉडल है इट्स कम्प्लीटली ऑनलाइन राइट, तुम पूरे पूरे ई-कॉमर्स पे ही हो फर्स्ट बट के, अभी कोई स्टोर्स नहीं है, फिर कोई फिजिकल किसी शॉप में प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पे तो क्या लगता है कि कुछ मार्केट शेयर शायद कम हो रहा है अगर तुम फिजिकल प्रेजेंस में जाओ किसी शॉप में, शेल्फ में अगर देखो प्रोडक्ट दिखे. इसमें क्या है ना, अगर आप देखो तो अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड जगह हूँ अभी, तो अभी करने के लिए तो बहुत कुछ है। देखा जाए तो अभी ये राइट मतलब पूरा एक रीस्टार्ट ही मेरे लिए, खासकर शार्क टैंक के बाद से। तो अभी पहले तो ये है कि जहाँ जहाँ ऑनलाइन नहीं है, फटाफट वहाँ पे जाके सब कुछ करना है, जिसमें ई कॉमर्स भी था वहाँ से भी अब हो रहा है धीरे धीरे, और चाहे वो ग्लोबल मार्केट प्लेसेस है उसको भी कवर करना है। ऑफलाइन का ऐसा है कि इनिशियल लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल को फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब भी आप ब्रांड आप किसी भी को भी अप्रोच करते हो डिस्ट्रीब्यूटर को, उनका ये होता है कि चलो ठीक है मैं रख दूँ, बिकेगा तो पैसा देंगे, तो वहाँ पे ना वो पैसा डूबने का ज़्यादा डर होता है। और ये हुआ है इनिशियली हम लोग के साथ, लोगों ने ट्राई किया था, तो उस वक्त हम लोग उस जोन में नहीं थे कि हम लोग कुछ 5-10 लाख रुपये का फंसा है, हम लोगों ने वो किया नहीं इसलिए, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सेफ था कि चलो ठीक है 7 डेज या 10 डेज में पैसे आ जाते हैं। तो अब ये सारा जो ऑफलाइन वाला है इसको भी बहुत ही कैलकुलेटिवली करेंगे, तो ये पार्ट हमारा मतलब पेंडिंग है, और अभी हमने फंड रेज किया है, इसका बाकी हमें करना ही स्कोप जब ज़्यादा है शार्क टैंक पे अपने। आते हैं यार, ज्यादा बहुत ज्यादा टेक्निकल बिजनेस की बातें हो गई, थोड़ा आप शार्क टैंक पे आते हैं. शार्क टैंक में जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया राइट. शार्क टैंक के बारे में हम दोनों काफी टाइम से ही बात कर रहे थे कि तुम्हारा एक ऑलमोस्ट ड्रीम था शार्क टैंक में फीचर होना, तुमने कभी सोचा भी नहीं था. मतलब जितनी बार मेरी तुम्हारी बात हुई है यू नेवर थॉट कि मुझे जाके डील लेना है. तुम्हारा एक विजन था कि मुझे वहां पहुंचना है, उस स्टेज पे जाना है जहां पे मुझे लोग टीवी पे देख सके, वो टीवी पे देख सके. और ये जो तुम्हें रितेश अग्रवाल से डील मिला, ये जो ओवरऑल 3-4 ईयर्स की जर्नी थी राइट, उसमें क्या क्या तुमने चेंज किए अपने आप में और अपने ब्रांड में. मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता, मैं बहुत ही एक लेमैन टर्म से पूछ रहा हूँ कि क्या चेंज तुम्हें अपने आप देखो में लाने पड़े, क्या जब फोकस लाना पड़ा. सीजन 1 में आया था तो मुझे पता नहीं चला कि कब आया, मैंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया था। जब मैंने टीवी पे देखा तो मुझे बस अफसोस हुआ कि यार ये मैंने मतलब क्यों नहीं किया, मुझे भी जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतना अच्छा मौका है, मतलब इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है कि तुम, और खासकर जो छोटे ब्रांड्स होते हैं जिनके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है उस पर, अपने जो ठीक से मार्केट नहीं कर पाए, तो ये बहुत ही अच्छा मीडियम लगा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि नहीं, जब भी आएगा मैं दूंगा फिर से। तो जैसे सीजन 2 आया मैंने अप्लाई किया था उसमें, तो सीजन 2 में मतलब जब आप टीवी पे देखते हो, टीवी वाला बेसिकली थर्ड और फोर्थ राउंड, उसके पहले 2-3 राउंड्स और होते हैं एलिमिनेशन। तो सीजन 2 में मेरा टीवी राउंड से पहले मैं बाहर हो गया था, उसके पहले 3-4 राउंड्स और होते हैं, तो वो सारे क्वालिफाई हुए, और ऐसा था कि मुझे ऐसा था कि अंदर से कि हो जाएगा, मतलब होना ही है, क्योंकि अच्छा हुआ था ऑडिशन वगैरह सब। तो जब नहीं हुआ तो वो थोड़ा लगा कि यार कुछ तो कमी है, मतलब कुछ सही नहीं है। तो ये पॉइंट था कि जब मैंने अपना पूरा ब्रांडिंग चेंज किया एक तो फर्स्ट बट का, जहाँ जहाँ मुझे कमी देखी कि चलो एक तो ब्रांडिंग समझ में आया, एक समझ में आया रेवेन्यू वाइज कि रेवेन्यू थोड़ा सा हो सकता है कि जो ब्रांड्स आए थे उनका रेवेन्यू अच्छा था नो डाउट, और रेवेन्यू था। सेकेंड थर्ड जो खुद के अंदर था, खुद के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने अपना पूरा रूटीन चेंज किया, मतलब सुबह थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा खुद पर भी टाइम देना, मेडिटेशन का मैंने मतलब मैं बहुत ही एक्टिवली मैंने मेडिटेट भी किया है थोड़ा स्ट्रेस को दूर करने के लिए, और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं इस बीच में, चाहे वो वेबसाइट्स पे हो, चाहे वो न्यू प्रोडक्ट्स हो, कुछ प्रोडक्ट्स हटाने हो, मतलब तरीके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो प्लान ये था कि जाना है तो फिर से अप्लाई किया सीजन 3 में, तो यहाँ पे ये था कि मम्मी को भी फिर हम लोगों ने पार्ट किया इसमें अप्लीकेशन में, क्योंकि सीजन 2 में मम्मी जा नहीं पाई थी, उसमें उनका एक एक्सीडेंट हो गया, तो सीजन 3 में हम लोग दोबारा गए, और वो भी लकीली हम लोग किसी तरह मुंबई पहुंचे, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी ऑलमोस्ट वो कैंसिल होने पे थी ऑडिशन के एक दिन पहले, एयरपोर्ट पे पहुंचे,
मुंबई पहुंचे तो ऑडिशन वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो मतलब पॉजिटिव था सब कुछ। तो लेकिन ये भी पता था कि यार थोड़ा ना सस्पेंस होता है, कभी ये नहीं बोला जाता आपको कि आप सिलेक्टेड हो। तो ये बोला गया था कि चलो ठीक है, अगर आपका आपका सिलेक्शन होगा तो कॉल आएगा, ईमेल आएगा, और ये फॉर्मेट ही है शो का, कभी आपको नहीं बोला जाएगा कि आप सेलेक्ट हो, हमेशा इसमें सस्पेंस होता है। तो जब 2 से 3 महीने हो गए तो थोड़ा ऐसा लगा कि यार अभी भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा वो एंगजाइटी भी होता है। एंगजाइटी इसलिए होता है कि यार इतना अच्छा मौका है, लेकिन फिर इस बार ये भी था कि इस बार मैंने सोचा कि यार इससे यार कोई क्या कर सकता है, मतलब वहां जाके मैंने ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन भी अच्छा हुआ। अगर ऑडिशन खराब होता तो समझ में आता कि शायद हमारे एंड से प्रॉब्लम है, ऑडिशन भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। अगर अभी भी नहीं होता है तो आई थिंक मतलब तो फिर मूव ऑन ही करना है, क्योंकि ऐसे भी बिजनेस हम लोगों ने बनाया है तो वो लॉन्ग टर्म जर्नी है हमारा, मतलब शार्क टैंक पे सबसे एक पार्ट है छोटा सा, चलो आगे वहाँ पे जाना है। तो इस बार थोड़ा माइंड सेट में भी चेंज था, जैसे सीजन 2 में थोड़ा ज़्यादा उसको डीपली ले लिया था कि यार क्यों नहीं हुआ, तो इस बार थोड़ा मेंटली ऐसे प्रिपेयर थे कि चलो ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। लकीली दिवाली आई थिंक धनतेरस के आसपास कॉल आया था कि आप लोग मुंबई आ सकते हो, तो पूरा बिल्कुल आ सकते। फिर मुंबई गए तो वहाँ भी सब कुछ अच्छा ही हुआ, मतलब 2-3 दिन वहाँ पे हम लोग रुके भी, उनकी टीम ने काफ़ी अच्छे से मतलब किया, सपोर्ट किया, ग्रुप भी काफ़ी अच्छे से किया, जहाँ भी डाउट्स होते हैं या फिर मतलब वो तो हेल्प करते ही है, तो अच्छा रहा मतलब। लेकिन हाँ ये था कि जब हम लोग वहाँ पे गए तो ये सोच के गए थे कि इतने दूर आ गए, अगर यहाँ के डील नहीं मिले तो फिर मतलब बेकार है, मतलब वो तो वो ना थोड़ा मन में आ गया था। जब हम लोग पिच करने वाले थे नेक्स्ट डे, तो जो मैं रात में मेरी मम्मी से ये बात होती थी कि मतलब लेके तो आना है, अगर कोई मना भी करे कि तो हम लोग ना मतलब ऐसा नहीं होना है, एक एफर्ट देना है वहाँ पे कि क्यों नहीं, मतलब आप लोग क्यों पीछे जा रहे हैं, तो मतलब ये तो था। तो जब जैसे ही नमिता ने बोला ना कि मैं आउट हूँ, फिर अमन अमन ने बोला कि मैं भी बाहर हूँ, तो वहाँ पे फिर मैंने भी वो बोला था कि अगर मतलब मैं 1.5 से 2 लाख में बिजनेस को यहाँ तक लेके आ सकता हूँ तो 50 लाख में मतलब मैं और आगे लेके जा सकता हूँ। फिर मम्मी ने बहुत अच्छा लाइन बोला वहाँ पे ना कि इतने दूर आ रही हूँ तो मतलब मुझे लेके ही जाना है, तो किसने बोला अच्छा आपको ROI चाहिए, तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पैक्ट अच्छा लाइन था मम्मी का, मतलब उसमें ह्यूमर भी था और उसमें एक पूरा वो मैसेज कन्वे कर दिया कि नहीं लेके यार इतने दूर से आए तो लेके जाना ही है। आई थिंक सीजन 3 का तुम मेरे फ्रेंड हो, आंटी को मैं इतने मतलब बचपन से देखता रहा इसलिए नहीं, बट आई थिंक सीजन 3 का ये हाईलाइट होगा। सॉरी टू से बट मित्रेश, तुम उस एपिसोड में तुम थोड़ा शैडोड हो गए, तो आंटी ने पूरा वो टेक ओवर कर लिया था। आई थिंक वो इतना शाइन हुई है उस एपिसोड में, क्योंकि अभी भी मैं अभी कुछ टाइम पहले देवघर के ये कंटेंट क्रिएटर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, वो भी मुझे बोल रहे थे कि सरोज आंटी से हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। सो मतलब क्योंकि वो एपिसोड मेरे हमने सबने देखा है, मेरे हम हमारे जितने दोस्त थे सबने देखा है, एंड वी वर यू नो शेयरिंग कि बहुत यार बड़ी बात कितना है, सही था। सबको पता है कि मम्मी मतलब ऐसे पब्लिकली कभी कभी ऐसे स्टेज पे फेस नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम मतलब सीधे जाके शार्क टैंक में वो भी सामने ऐसे लोग बैठे हैं मतलब जिनको ऑलरेडी इतना जिनको आप नॉलेज टीवी है, पे देखते हो। जिसको आप वीडियो बना ही नहीं सकते, उनके सामने इतना कॉन्फिडेंट के बोलना बहुत बड़ी बात है, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ब्लेसिंग भी है, मतलब चलो ठीक है साथ दे है तो उनके ब्लेसिंग ही है और क्या। आई थिंक तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मतलब सीजन 2 सीजन 1 चाहे कुछ भी हो, शायद हर चीज वो होता है ना कि स्टार्स अलाइन हो जाते हैं एक टाइम पे, और आंटी तुम्हारे साथ थी, शायद मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, और क्या चाहिए। क्या सीजन 2 में होता तो शायद इतना अच्छा नहीं होता। तुमने कभी सोचा था कि रितेश अग्रवाल ज्वाइंड शार्क देखो टैंक रितेश सीजन 3 में ही सीजन 3 आए में हैं? आए थे तो क्या होता था, जब मैं सीजन 2 में मतलब मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो जब मैं हाँ सोचता था ना कि यार जब मैं कभी मैं देखता था प्रोमोस वगैरह या फिर मैं कभी मेरी टेट भी करता था, तो मुझे थॉट आता था कि रितेश से डील मुझे आ रहा है, और मतलब कि सीरियसली थॉट था बस, हाँ मतलब थॉट था बस, और जब भी सोचता था मतलब मेरे दिमाग में उनका ही चेहरा आता था कि रितेश, और सीजन 2 में वो थे ही नहीं। लेकिन जब सीजन 3 में जब स्टार्ट होने वाला था और जब ये अनाउंस हुआ ना कि ये हमारा जैसे है उसमें रितेश का था, तो मैं पूरा हो गया कि अब एक तो मतलब इंटेंशन आ गया था। लेके आना है, मतलब बिल्कुल लेके ही आना है। और लकीली हम लोग वहाँ गए और पहला क्वेश्चन उनका ही था शो में, पहला क्वेश्चन उनके उनके उन्होंने ही पूछा था हमसे जाते ही वहाँ पे, और डील भी हमें उनसे मिली। मतलब तुम्हें क्यों लगता है, मतलब कभी सोचते हो ये, कभी बैठ के तुमने इंट्रोस्पेक्ट किया हो कि रितेश अग्रवाल ही क्यों, मतलब उस उन्होंने ही क्यों सिलेक्ट किया कि चलो मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस देयर, क्योंकि वो भी एक स्मॉल टाउन से है। क्योंकि वो फुटबॉल के छोटे शहर से, उन्होंने कितने इंटरव्यू में बोला कि मतलब मैं ऐसे जगह से हूँ जहाँ से जहाँ पे
शायद ही किसी को मतलब नाम भी पता हो, और कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारे साथ भी। देवघर का नाम ऐसे आप लोग जानते हो, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, तो शायद बहुत लोगों को नाम भी नहीं पता हो। तो एक वो छोटे शहर वाला कहानी है सेकेंडली, कि उन्होंने ये भी देखा होगा कि यार जिस जगह से बैठ के इन्होंने बिल्ड किया है, तो वो भी एक मतलब अपने आप में है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी है, मतलब होता है जो 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 आपको मेट्रोस में मतलब कुछ ना कुछ होता है, चाहे लॉजिस्टिक ले लो आप या कुछ भी ले लो, मतलब मार्केट्स ले लो, कुछ कलेक्शंस होते हैं। तो आई थिंक मतलब ये काफ़ी सारे फैक्टर थे। और नॉर्मली अगर आप देखो तो शार्क टैंक पे भी जितने मिनी ब्रांड्स D2C आए हैं, आई डोंट थिंक कि ईस्ट इंडिया से या फिर बिहार झारखंड या राइट फिर ऐसे कोई बहुत मेजरली ब्रांड्स आए थे, तो एक वो फैक्टर भी होता है। एब्सोल्युटली, मतलब मैं तुम्हारे जो तुमने 7-8 साल अपना मेहनत लगा, मैं आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम इट, आई एब्सोल्युटली यू नो एज अ ब्रदर आई लव यू, एंड तुमसे मतलब आई गेट इंस्पायर्ड, तुमसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। बट डू यू थिंक कि जो आंटी का प्रेजेंस तुम्हारे इस एपिसोड मतलब इस शो में शार्क टैंक में और इस बार तुम्हारे साथ होना वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स फॉर क्योंकि तुम्हें डील थिंक मिला? दिस वाज आल्सो द वन ऑफ द मेजर मेजर रीजंस, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक तो आप ये भी देखो, जब हम लोग इस बार गए थे ना, तो जो हम लोग ने ब्रांडिंग चेंज की, उसमें पिकल्स और चाय मसाला में मम्मी के फोटोज भी डिस्क्रिप्शन वगैरह के फॉर्म में दिए थे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भी कन्वे होता है। और सेकेंडली कि जिस एज में वो जो काम कर रही है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर अस, उस एज में जाते जाते तो कॉन्फिडेंस भी ना रहे, तो ये सारे फैक्टर तो होते ही राइट, हैं। चलो आते हैं यार। अब एक तुम्हें फंडिंग मिली, बहुतों को लगता है क्योंकि हम लोग दोनों फंडिंग तुम्हारे फंडिंग मिलने के बाद भी बात कर रहे थे, राइट, बहुतों को लगता है कि जो वहां पे अनाउंस हो जाता है वो हाथों हाथ पैसा मिल जाता है, विच इज नॉट द फैक्ट, मतलब विच इज नाउ वेल नोन फैक्ट, वो वैसा नहीं होता। देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस, ड्यू डिलीजेंस होते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आपके बुक्स देखे जाते हैं, आपका एक्चुअल रेवेन्यू सब कुछ ही, मतलब बेसिकली ड्यू डिलीजेंस में जो जो चीज़ें होनी चाहिए, देन देयर इज शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, काफ़ी तरह की चीज़ें होती थी। ओवरऑल जो आप शो पे जाते हो, जब आपको एक कोई अनाउंस होता है कि हाँ आप किसी के साथ टीवी पे जो आता है कि डील हो गई, आपको एक सूडो चेक मिलता है, वहां से लेके एक्चुअल आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे हिट होने तक कितना टाइम लैप्स होता है? बहुत सारे इसको 3-4 हफ्ते में भी मिल गया है, किसी किसी केस में 2 से 3 महीने भी हो जाता है, और किसी केस में और भी ज़्यादा। ये सब ब्रांड्स पे भी डिपेंड करता है ओके कि वो कितने जल्दी डाटा शेयर करते हैं अपने, मतलब डिलेज दोनों साइड से हो सकते हैं। अगर आप इनपुट्स आप लेट करोगे देने में, तो फिर वहाँ से ड्यू डिलीजेंस भी लेट होगा। जैसे हमारे केस में इनिशियली हमसे भी डिले हुए थोड़े, मतलब पहला महीना हमसे ही डिले हुआ, तो होता है ये, इसमें मतलब दोनों साइड से ही प्रॉब्लम्स, मतलब डिले हो रहा है तो डिले दोनों इन साइड। टर्म्स ऑफ लेकिन अगर जो आप आपने अपना अगर MIS सबमिट करना होता है। डेली रिपोर्ट आ गया, तो आई थिंक विद इन 10-15 डेज आई थिंक आ जाता है। क्योंकि एक छोटी सी, जब जैसे तुम्हारी कंपनी है, छोटी सी एक कंपनी है, बूटस्ट्रैप चल रही है, तो काफी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, काफी पेमेंट्स आपके कैश में होते हैं क्योंकि एक छोटे शहर में भी आप ऑपरेट कर रहे हो, तो क्या वो फैक्टर थोड़ा कहीं हिट करता है कि एक उसको स्ट्रक्चर में लाना, क्योंकि जब कोई लेकिन इन्वेस्ट आई थिंक ये जो चीजें हैं वो भी समझते हैं। मेरे लिए उनको जो देखना होता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस में है, आपने जो नंबर्स बोले हैं वो अलग है, मेजरली कोई आपके कंपनी पे या फिर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी या ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हो जो आप जो कि आपने बताया ना हो, तो ये जो कुछ और कोई भी अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है, और मतलब ये सब चीज़ें देखी जाती है, स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, मतलब उनके भी इमेज है और उसका इन्वेस्टमेंट है, तो कहने के लिए तो मतलब ये आता है। लेकिन आई थिंक मेजरली डॉक्यूमेंट्स आप मान लो आपके रेवेन्यूज हो गए, आपकी फाइलिंग्स हो गई, अगर कुछ ऐसे मेजर रेड फ्लैग्स हैं तो बात अलग है, नहीं तो वो फिर आपको बोलते हैं कि आप ये सही कर लो या फिर आप ये कर दो। मेरे मेरे शो पे ना भी कुछ टाइम पहले एक बहुत ही नोन इन्वेस्टर आए थे, एंटरप्रेन्योर प्लस इन्वेस्टर खालिद वानी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब हम किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं ना, मोर देन द कंपनी वी लुक एट द पर्सन, जिस क्योंकि बिजनेस का पता नहीं, बिजनेस हो सकता है आज है बहुत अच्छा बिजनेस है, कल वो डूब भी सकता है, आज कोई छोटा बिजनेस है कल वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट, वॉट वी लुक एट इज वी लुक एट द पर्सन कि जिसपे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक वो फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर हो गया जो मेजर थिंग हम बिजनेस में देखते हैं कि वो हर तरह के गवर्नमेंट के जो कंप्लायंस है, जो रूल्स है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो कंप्लायंस फॉलो करने में कहीं भी मिस कर रहे हैं देन इट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस। तो तुम्हारे केस में मतलब वो सारी चेक बॉक्सेस टिक होने में कितना टाइम लगा, और अब व्हाट इज द स्टेज नाउ? देखो हमारे केस में कोई मेजर रेड फ्लैग्स नहीं थे, जो भी थे बहुत मतलब ऐसे माइनर थे जो कि हम लोगों ने अपने किए,
हमारे फाइलिंग्स वगैरह टाइम के थे कुछ, आई थिंक टीडीएस में एक दो कुछ एक दो महीने का कुछ मतलब भी था जो हम लोगों ने क्लियर किया। तो ऐसे कोई मेजर रेड फ्लैग्स नहीं थे, वो स्मूथी हुआ है। हाँ टाइम लगा है, टाइम लगा है क्योंकि हमारे एन से भी टाइम लगा है डाटा देने में, क्योंकि हम लोगों ने कभी प्रॉपरली कभी एम आई एस मेनटेन नहीं किया था, क्योंकि हमें कभी इनिशियली सोचा नहीं था कि फंड्स वगैरह में जाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो काफ़ी स्मूथली हुआ है। तो अभी अभी जो आपको ये फंड्स मिल रहे हैं या फिर जो मिलने वाले हैं, इसका रोड मैप क्या, फर्स्ट बार्ट का रोड मैप क्या होने वाला है? क्योंकि एक मेजर बूस्ट मिला है जब आपको एक इतनी अच्छी फंडिंग मिलती है, एक आपको मेजर बूस्ट मिलता है, क्योंकि अभी आप कुछ भी खर्चा कर रहे थे आपको बहुत सोचना पड़ रहा था, राइट? मतलब आई नो कि तुम कितना सोच समझ के तुमने ये बिजनेस खड़ा किया, कितने मेहनत से खड़ा किया। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आज लोग दिखते हैं ना कि बिजनेस खड़ा किया एंड फंडिंग आई तो एग्जिट मार दिया अपना एक लाविश लाइफस्टाइल जीने के लिए। आई नो कि वो तुम्हारा थॉट नहीं है, राइट? बट तो अभी फर्स्ट बर्ड के लिए व्हाट इज द रोड मैप आफ्टर दिस फंडिंग? जो भी हमारा जाने वाला है एक पार्ट तो टीम में जाएगा, एक अच्छा सा रिस्ट्रक्चर हमें करना है, जहाँ पे एक अच्छी सी टीम खड़ी करनी, मल्टीटास्किंग और जो जो चीज़ हमें लग रहा था कि कमी है अभी उसको दूर करना है। सेकेंडली सेल्स पे तो ध्यान देना ही है, मतलब हमारा क्लियर होगा चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। थर्ड हमारा ग्लोबल पे हमें काफ़ी अच्छे से फोकस करना है और फोर्थ बी टू बी। तो जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन सेल्स भी है, तो ये सारे एरिया से आई थिंक हम लोग काम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से आ गया। तो अभी जो शॉर्ट टर्म में जो गोल्स हैं वो तो पहले ये कि हमें पहले जो भी मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे फटाफट जाना है, जो भी हमें इन्वेंट्री में मिस करना है उसको सही करना है, जो भी हमारे एंड से मिस है मार्केटिंग कैंपेन्स में उसको सही करना है, और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे स्ट्रक्चर करके हर क्वार्टर में उसको देखेंगे कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम प्लान करते हैं। पैसा तो एक चीज़ हो गया, आपको एक जब नोन फेस आपके साथ कनेक्ट हो जाता है ना, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, वी कैन एडिट दिस आउट इफ यू वॉन्ट, कि आपको कुछ बॉलीवुड एक्टर्स ने भी एक्टर्स ने भी आपको रीच आउट किया आपके डीएम पे जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते थे, राइट? क्या ये रितेश अग्रवाल इफेक्ट आप देखते हो कि क्योंकि एक नोन फेस आपके साथ कनेक्ट हुआ, प्लस शार्क टैंक में आपको इतनी विजिबिलिटी मिली? शार्क टैंक से भी क्या होता है कि इतनी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है कि आपको 15 मिनट का टाइम स्लॉट मिला है और टीवी पे आप आ रहे हो तो हर कोई देख रहा है, मतलब छोटे शहर से बड़े शहर में मतलब कोई भी देख सकता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, तो टीवी पे आना इतने आपने बहुत बड़ी बात है। आप समझो कि वो 5-6 करोड़ का मार्केटिंग हो गया आपका, तो इससे बूस्ट तो मिलता ही है, चाहे वो सेल्स में हो चाहे वो मार्केटिंग में हो। काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया है, मतलब काफ़ी सारे से बॉलीवुड एक्टर्स उन्होंने परचेज भी किया है, बहुत लोगों ने रीच आउट भी किया है और काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आए हैं, बाहर से भी बहुत लोगों के कॉल्स आए हैं कि हमें आपके प्रोडक्ट को कनाडा में सेल करना है, यूएस में सेल करना है, दुबई में, बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं। तो मतलब बहुत फर्क पड़ता है रातों रात, आप समझो कि आपका ब्रांड जो अगर कोई नहीं भी जानता तो रातों रात आपने एक वो मैसेज कन्वे कर दिया कि फर्स्ट बर्ड कुछ है, तो वो एक क्लियर मतलब कम्युनिकेशन जाता है ब्रांड से। रितेश अग्रवाल के आने से क्या फर्क, मतलब उस इंसान के प्रेजेंस से अब कंपनी में कितना फर्क पड़ेगा या फिर आपकी विजिबिलिटी में कितना फर्क पड़ेगा? विजिबिलिटी से भी ज्यादा उनके उनसे आप क्या, मतलब आपको लगता है कि उससे यार क्या सीख पाओगे? तो उन्होंने जो सीख खुद अचीव किया है इतने कम उम्र में, वो सीखने को तो बहुत कुछ है, वो लिमिटलेस है। तो अभी फिलहाल जिस एरियाज में हमें उनसे हेल्प चाहिए, जिसको हम लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं, कि जब भी जहाँ पे भी हम लोग अटके उनके पास जाएँ, चाहे वो कहीं नए चैनल एक्टिवेशन हो या कुछ कनेक्शन हो, तो या अगर हमें लग रहा है कि कुछ हमें अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना हो, तो ये कुछ मेजर जो डिस्कशन है वो हम लोग ऑब्वियसली उनसे हेल्प भी लेंगे और करेंगे भी। तो यहाँ से बहुत मतलब मेजर शिफ्ट भी आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग अकेले कर रहे थे, मतलब जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर थोड़ा सा भी इनपुट आता है तो मतलब एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। क्या मित्रेश के सिंगल दोस्तों के लिए ओयो में कुछ डिस्काउंट मिलेगा? ट्राई करूंगा मैं, कुछ नहीं आता आप लोगों ने बोला है मित्रेश सिंगल से आते हैं तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस पे, राइट? यू आर मैरिड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू, आई मीन आपका एक और बेबी हुआ, बेबी बॉय, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। शादी होने से एक स्टेबल रिलेशन से आपको, मतलब तुम्हें लगता है कि आपके तुम्हारे लाइफ में फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा? एंड वो लाइफ का जो कि पहले थोड़ा इंसान अनस्टेबल भी होता है, और मतलब आप शुरू में अगर आप बिजनेस में या जॉब में हो तो कहीं ना कहीं आपको उतना फोकस नहीं हो पाता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले जैसे घर वाले बोलते थे कि यार जल्दी कर लो शादी, कर लो भारत के लिए, फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना एक सही एज में हो जाना चाहिए, फिर आप लोग चाहे हस्बैंड हो वाइफ हो
आप लोग एक अच्छे से गोल पे, अपने गोल पे फोकस करो कि हमें करना क्या है लाइफ, क्योंकि वो टाइम बर्बाद होता है बीच में। तो शुरू में मतलब शादी के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा स्टेबिलिटी तो आया है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में आया हुआ है, जैसे भी आया हो तो कहीं ना कहीं लोग स्टेबल भी आए हैं। मतलब फर्स्ट बर्थ को मैंने बहुत ही पसंदी से किया, अच्छे से किया है और अपना एक विजन लेके किया है, जिसमें सपोर्ट मिला है, घर से मिला है, वाइफ से मिला है, फैमिली का भी सपोर्ट था, तो फर्क पड़ा है मतलब उससे काफी। आपके सारे रिलेशन एक तरफ हो जाते हैं राइट, एक जो पार्टनर होता है आपका स्पाउस होता है उसका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में सबसे बड़ा होता है राइट, क्योंकि आपका मेंटल पीस, आपका स्ट्रेस लेवल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट। तो मतलब उसमें क्या तुम क्या कहना चाहोगे, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है ना, वो अगर आपकी प्रोडक्ट है और घर आके अगर आपकी पर्सनल लाइफ भी वैसी है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ। एग्जैक्टली, और भले आपकी प्रोफेशनल जैसे भी, अगर आप घर आते हो, घर आके बहुत ही पीस में हो, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है मेंटल लेवल पे या आपकी फैमिली से, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई बस इतना बोल दे कि मतलब मैं साथ में हूँ, मतलब करना है जो करना है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मेरे साथ यही था, चाहे प्रोफेशनल जैसा भी रहा हो, चलो ठीक है अप एंड डाउन आता है, लेकिन मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से, मेरी मदर से, फादर से कभी ये नहीं रहा कि यार बंद कर दो, फिर क्या रहा फुल टाइम बर्बाद कर रहा है। कभी वाइफ से ऐसा हो जब जब मतलब उसको पता था कि चलो ठीक है अभी ये नहीं कर पाएगा, तो कभी कोई ऐसा डिमांड नहीं आया कि यार मुझे आज वीकेंड में यही जाना है, मुझे चाहिए। तो मतलब वो उस चीज़ में मैं बहुत ही मतलब लकी भी था, और मतलब उसने अंडरस्टैंड किया उस सिचुएशन को। तो बेसिकली आज जो यहाँ पे हूँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। आई डोंट थिंक कि अगर कोई गलत रिलेशन में आप जाओ जहाँ पे सपोर्ट ना मिले, तो आप मतलब मुझे लगता है कि बिजनेस करना बहुत टफ हो जाएगा किसी के लिए। बिजनेस ही नहीं, चाहे शायद लाइफ में कुछ भी करना बहुत टफ हो जाता है। मतलब मेंटली अगर आप मेंटल लेवल पे ही सही नहीं हो, तो आप मतलब कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप वो गिव अप कर देते हो। राइट, तो मैं अपना थोड़ा पर्सनल एनेक्डोट शेयर करता हूँ। मेरे मुझे कहाँ फर्क दिखता है पता है, कि कभी कभी ना, क्योंकि मैं मेरा जो कॉन्टेंट क्रिएशन का जर्नी है अभी तक मेरे लिए वो एक साइड यू नो पैशन है मेरे लिए, अभी भी मेरा ये फुल टाइम नहीं बना है। तो मेरे पास एक डे जॉब भी है जिसमें मेरा मेजोरिटी ऑफ मेरा दिन का टाइम उस पर जाता है। नाउ कभी कभी आपका, क्योंकि वो प्राइम फोकस मेरा वहाँ पे भी रहता है, क्योंकि आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको एथिकल होना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सैलरी लेके सिर्फ अपना ही पॉडकास्ट, आप अपने पैशन के बारे में सोच रहे हो राइट। तो मुझे उसमें भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए भी सोचना पड़ता है। अभी इट्स कि मैं एक वन मैन आर्मी हूँ, आई डोंट हैव एनी टीम और एनीथिंग। हाँ, मेरे पास एडिटर हैं कुछ हैं, बट दैट्स अबाउट इट। बाकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके तैयारी से लेके सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो कभी कभी वो फेज आता है ना कि लगता है यार नहीं हो पाएगा, मतलब या तो ये कर लूँ या तो वो कर लूँ। तब बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनली जो फील किया उस टाइम, मतलब मेरे पार्टनर का सबसे ज़्यादा, मेरी वाइफ का सबसे ज़्यादा रोल वहाँ पे आ जाता है कि शी कीप्स मी कि नहीं फोकस। वो जो उस टाइम ना समझ में आता है कि अगर मैं शायद अकेले होता तो मैं, हो सकता है कि एक होता ना इंसान का एक पेशेंस लेवल, वो टेस्ट हो जाता है कभी कभी। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट होना, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फ्रेंड का हो, किसी का भी हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली से ही सपोर्ट नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज जो मैंने हमेशा नोटिस की थी, जैसे हम नॉर्मली अब धीरे धीरे ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है, पहले हम किसी की जॉब चेंज होती थी, किसी ने नया जॉब कुछ किया, कुछ हम बहुत उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन कोई अगर आपका फ्रेंड आके कहे ना कि मैंने ये स्टार्ट किया है, तो हाँ मतलब ठीक है, बहुत अच्छा कर लिया, बट वो एक जॉय पहले नहीं था। पहले हम सेलिब्रेट नहीं करते थे एंटरप्रेन्योर्स को राइट, वो कहे ना कि हम कुछ नाम देते यार ये तो मतलब नॉट इन अ वेरी रॉन्ग सेंस धंधा करता। अब हम उस चीज को सेलिब्रेट करने लगे हैं। जब मैंने भी शुरू किया था तो काफी लोग मुझे भी बोलते थे, हस्बैंड भी था कि यार मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये स्टेबल नहीं है, अभी तक सेट नहीं हुआ, तो उनका होता था कि यार तू अभी तो अभी तक क्या कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, कमेंट्स आते। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या कह रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मतलब मैं तो अपने हिसाब से काम कर ही रहा था। लेकिन उनके एंगल से क्या था कि एक जो होता है ना, चलो अच्छे से लाइफ स्टाइल और ये सेट और जॉब में हो, पहले उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो ये मतलब अपना अपना परसेप्शन है कि चेंज तो हो रहा है, बहुत लोग तो अपना जॉब छोड़ छोड़ के भी बिजनेस में आ रहे हैं, स्टार्टअप्स में आ रहे हैं। तुम्हारा एक बेटा है जो कि मैं जिसका बहुत बड़ा फैन हूँ और हम लोग काफी खेलते हैं, एक वैसे एक फोर्स का होना जहाँ पे जब वो तुम्हारे साथ होता है, तुम दिन भर अपने काम में हो राइट, सेल्स का प्रेशर है, रेवेन्यू प्रेशर है, एवरीथिंग। अब नाउ दैट एक इन्वेस्टर आ गया है तो तुम्हारे ऊपर और भी प्रेशर है परफॉर्म करने का। तो उन सब प्रेशर को हटाने के लिए वो एक बच्चे का होना जो तुम्हारे साथ, एक बच्चा बन के तुम्हें भी उसके साथ बच्चा बनना पड़ता है, और जब तक तुम उसके साथ हो तब तक वो सारी मेंटल यू नो कि बिजनेस ये वो सब साइड में हो जाता है। वो कितना, वो स्पेस कितना जरूरी है आज के डेट में तुम्हारे, क्योंकि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर सन। मतलब मेरा दिन का स्टार्ट ही उसके साथ खेलने से होता था, और
जाके 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल उसके साथ उसके उसके मतलब लेवल पे जाके, जो चीज़ें उसको पसंद है वैसे उस लेवल पे जाके, तो मतलब थोड़ा मेंटल, मतलब जो भी दिन भर का स्ट्रेस है थकान है वो सारा गायब हो जाता है, चाहे जो भी स्ट्रेस हो वहाँ जाके लगता था कि चलो ठीक है कोई है जिसके साथ आप बैठ के थोड़ा खेलो और इन्जॉय करो और सब कुछ करो। और अभी जब मतलब ये उस शार्क टैंक पे में होने वाला था ना, तो मैं ऐसे ही बैठा रहता था, तो मैं तो 1-2 बार वो आया कि क्या हुआ पप्पा, मैंने बोला यार कॉल ही नहीं आ रहा है शार्क टैंक से, वैसे आँख बंद करता था कुछ बात करता था ऐसे, मैंने क्या हुआ बोलता है मैंने बोल दिया भगवान जी को कॉल आने वाला है, और नेक्स्ट डे कॉल आया फिर बोलता है पप्पा 50 लाख रुपये मिलेगा, मैंने बोल दिया है, तो मैंने बोला अच्छा 50 लाख बोला, और तो फिर बोलता है कि 50 लाख से ना हम लोग बिजनेस करेंगे और असली बिजनेस करेंगे, ये ऑनलाइन वाला नहीं करेंगे, असली असली दुकान खोलेंगे। तुम्हारे लिए फिटनेस, आई नो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, मेडिटेशन, ये दोनों जिंदगी में इतने इम्पोर्टेंट कब हुए और कैसे हुए? और फिटनेस अब तो ऐसा तुम्हारे हुआ क्या कि उनके लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है या खुद ब खुद वो टाइम बन जाता है? 2017 तक तो मैं फिटनेस में था ही नहीं, मतलब जो भी ऐसे हो जेनेटिक लेवल पे वो हो, लेकिन कभी ऐसे फिजिकली जिम में या कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, जो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेला वो भी स्कूल टाइम ही खेला था मेरा, स्पोर्ट्स भी उसके बाद बंद हो गया था पूरा। तो जब जब मेरा ये फेज आया ना, जब वार्डन वेट से भी मैंने छोड़ दिया, मैं 5-6 महीने पूरा जॉबलेस ही था उस वक्त, कुछ भी नहीं कर रहा था उस वक्त, मतलब मैंने दौड़ना शुरू किया था, जॉगिंग वगैरह, मैं रोज सुबह उठता 4-4:30 बजे और बस दस शुरू, मतलब पहले 100 मीटर करते करते 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5-5 6-6 ये रूटीन में आ गया, थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस भी आता था और थोड़ा ये ना फ्रस्ट्रेशन भी अंदर का निकलता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि चलो कुछ ऐसा चीज़ है यहाँ पे अपना वो निकालो अंदर, तो उस तरह मतलब मेरा शुरू हुआ था, और फिर वो रूटीन मतलब रूटीन में भी आ गया, तो फिर मैं मतलब बेसिकली मुझे अंदर से इंटरेस्ट भी आया और भी, फिर मैंने योगा वगैरह भी सीखा, तो वहाँ से भी थोड़ा लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ, फूडिंग हैबिट वगैरह चेंज हुआ, तो अभी अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जितना होता है मतलब मैं करता हूँ, मेडिटेट तो मेरा डेली का रूटीन है, एक्सरसाइज अभी मतलब करता हूँ मैं शाम को, लेकिन अभी वॉकिंग या जॉगिंग ही करता हूँ कभी कभी, जिम तो अभी नहीं जा पाता, लेकिन हाँ करता हूँ मेरा डेली का है। मेडिटेशन मेडिटेशन से क्या लाइफ में, क्या लाइफ पे तुम्हारे क्या इफेक्ट आया है? से बहुत बहुत फर्क आया, क्या होता था कि जब मैं बिल्कुल स्ट्रेस में था ना, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि 1-1.5 साल से मतलब मैं बिल्कुल ही पीस में नहीं था, और रात को सोता था तो भी मतलब उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं और रैंडम थॉट्स आते थे, कुछ भी मतलब कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं दिन भर बिजनेस के, और रात में भी वही सब आ रहा है, तो मतलब मुझे फिर एक स्टेज के बाद लगा कि यार मतलब ऐसे ना हुआ नहीं, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से कंसल्ट किया और फिर उसने मुझे मतलब इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ में मेडिटेशन में, फिर मतलब मैंने बिगिन किया बहुत ही छोटे में मतलब उससे बेसिक बेसिक मेडिटेशन से, तो फिर अच्छा लगा मुझे, फिर मैं और करता गया और मतलब मेरा एक वो रूटीन बन गया सुबह उठ के सबसे पहले, तो यहाँ से ना थोड़ा चेंज मतलब चेंज भी हुआ, एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये हुआ कि जो टेंशन और स्ट्रेस था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, मतलब मैं थोड़ा वो जो कभी कभी पैनिक करता था ये वो उम्र का खत्म हो गया, थोड़ा डिसीजन आराम से लेने लगा सोच समझ के, और काफ़ी चीज़ों में फर्क पड़ा है, मतलब ऐसा लगा है कि चलो ठीक है हेल्पफुल गया। मैं अगर पर्सनली अपना से शेयर करूँ ना, तो मेडिटेशन से मतलब ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी, वो कभी जाने वाले हैं नहीं, बट मेडिटेशन से मैं अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हूँ। इवेल्युएट अच्छे से करते हो आप ना, कोई पैनिक में डिसीजंस नहीं लेते हो, थोड़ा सोचने का तरीका बदल जाता है, मतलब पेशेंस आ जाता है, आप थोड़ा अच्छे से मेरा जो पर्सनली हुआ है मित्रेश, मतलब एक होता है ना, आपके तरफ अगर ट्रक आ रही है, आपको ट्रक आके धक्का मारती है, राइट? व्हेन आई से ट्रक, आई एम सेइंग नॉट लिटरली, फिगरेटिवली मैं कह रहा हूँ, आपके लाइफ ट्रक इज योर लाइफ स्ट्रेस टेंशन एंड एवरीथिंग, राइट? जब वो आके आपको पहले जब धक्का मारती थी ना, तो आप 10 स्टेप पीछे चले जाते थे। आई थिंक मेडिटेशन ने क्या किया कि वो आपको धक्का मार रही है ना, यू आर स्टिल देयर, मतलब इम्पैक्ट वो बहुत आपका वो शॉक एब्जॉर्बर जैसा बन गया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पहले प्रॉब्लम्स आते थे और लगता था कि यार ये क्या हो गया, अब आता तो कुछ लगता नहीं है, चलो ठीक आया तो क्या हुआ, मतलब प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करेंगे और क्या, मतलब भाग नहीं सकते उस राइट, चीज़ से, अब आता है आराम से बैठ के एग्जैक्टली। देखो और आराम से सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली वो ना पैनिक वाला सिचुएशन नहीं होता, पहले छोटे छोटे चीज़ों में जो 10-10 मिनट आता था, तो अब ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मतलब कोई जोन में जाए, तो मतलब फर्क तो बहुत पड़ा है। मित्रेश, इसके साथ यार ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दोनों बात करने लगे तो वही होगा कि 3-4 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, वो कभी नेवर एंडिंग हो जाएगा। बट यस जाने देने से पहले मेरा एक बहुत ही ब्लंट सवाल है, एंड इसका मुझे बिल्कुल ही आपसे ब्लैक एंड व्हाइट यू नो जवाब चाहिए। जब आपको ये 50 लाख की फंडिंग का अनाउंस हुआ, अब लोगों को लगा कि आपके पास 50 लाख आ गए हैं, क्या जो रिश्तेदार जो आपसे बात नहीं करते थे, जो दोस्त आपसे बात नहीं करते थे, क्या वो लोग आपको रिच आउट उन्होंने करना शुरू कर दिया है? लेकिन उन्होंने ना किसी ना आई थिंक कोई सेल्फिश मोटिव शायद कमी था, मोस्टली लोगों ने सपोर्ट किया है इसमें, मतलब जो जिन्होंने भी रिच आउट किया है चाहे वो
5 साल का गैप हो या 10 साल का हो, आई थिंक मोस्टली ने काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्होंने शेयर किया है ये वो, और काफ़ी मतलब तारीफ किया है। हाँ, कुछ एक दो केस ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था, जो नए नए रिलेटिव बने कि मुझे जानते नहीं, मैं तो तुम्हारा ही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। कांग्रेचुलेशंस मित्रेश, मैं पता नहीं है इंस्टाग्राम पे इसलिए आए, उनका अकाउंट भी नहीं था, वो इंस्टाग्राम में आए इसलिए थे कि उनको रील्स लाइक करना था और शेयर करना था, वो खत्म होते ही वो चले भी गए। मित्रेश, तुम्हें पता नहीं है, मतलब तुम क्योंकि बहुत लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द पीपल दैट आई नो, एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ यू, राइट? क्योंकि हम लोग उसी स्कूल से हैं, साथ में पले बड़े हैं, खुशी मिलती है यार जब साथ वाला कोई इतना अच्छा करता है ना, एंड इट ऑल्सो गिव्स अस, यू नो, इसको समझाना मुश्किल है, जैसे सचिन जब 100 करता था ना, लगता था ना कि मेरा कुछ हुआ है, तो यहाँ पे भी वही फीलिंग है। इट्स नॉट लाइक क्या किसी ने कुछ किया है, इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि शार्क टैंक तो हम लोग कब से देख रहे हैं यार, बट इस बार का शार्क टैंक हमारे लिए बहुत स्पेशल था, और सबसे अच्छा है कि तुम्हारे वजह से आज देवघर को लोग जानेंगे, राइट? ये सबसे बड़ा आई थिंक बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, फंडिंग वंडिंग बियॉन्ड एनीथिंग, तुम आज नहीं तो कल यू वुड हैव क्रैक्ड इट, बट बियॉन्ड एनीथिंग तुम्हारे वजह से देवघर को जो यू नो वो जंप, वो नाम मिलेगा ना, दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग, क्योंकि हमारे शहर से बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं कि जिनके, क्योंकि अब शहर तो छोड़ो यार, हमारे स्टेट का लोग ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं, तो व्हेन समवन लाइक यू कम्स और वो नेशनल टीवी पे आता है, इतने जो इतने हाई टीआरपी शो में प्राइम टाइम पे आता है, तो कांग्रेचुलेशंस मित्रेश, एंड यू हैव इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस, थैंक यू।